नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार पाटन को 10 दिन, और इन 10 दिनों के दरमियान तय होगा कि देश किस दिशा में मुड़ेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो में इस बार न्याय की मशाल लेकर यात्रा पर निकल रहे हैं और ऐलान कर ही चुके हैं कि न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, और इस लड़ाई में वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी एक तरह से जाहिर कर दिया है कि वो इस लोकसभा चुनाव को मंदिर मुद्दे पर ही लड़ेगी। शायद बीजेपी को ये अति आत्मविश्वास है कि सत्ता की दौड़ में वो तीसरी बार कांग्रेस से आगे रहेगी, लेकिन मौजूदा सियासत ये बता रही है कि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी के पास खोखले पैतरों के अलावा और कुछ नहीं है। अगर सत्ता की रेस में मुद्दों के पॉइंट्स गिने जाएं, तो इसमें बीजेपी कांग्रेस से काफी पीछे दिखाई देती है। आज से 10 दिन बाद राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी करने जा रही है, और ये काम किसी धर्म गुरु के हाथों ना होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जा रहा है। मोदी ने आज से एक विशेष अनुष्ठान भी इसके लिए शुरू कर दिया है और लोगों को सोशल मीडिया से बताया है कि भगवान ने इस काम के लिए उन्हें ही चुना है। इस तरह की बातें सुनकर यकीन ही नहीं होता है दोस्तों कि हम 21वीं सदी वाले भारत में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी समय का पहिया उल्टा घुमाकर देश को फिर से कर्मकांड वाले वैदिक युग में ले जाना चाहती है, जहां न्याय और अधिकार केवल शक्तिशाली लोगों के पास रहें और कमजोर लोग उनकी दया पर जिएं। खैर, मोदी क्या अनुष्ठान कर रहे हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि राहुल गांधी ने आज फिर मोदी को जमकर सुनाया है। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है, और इस जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके देश के युवाओं के लिए खास संदेश लिखा है। इस ट्वीट में आप देखिए क्या कुछ राहुल गांधी लिख रहे हैं कि युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता, उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत। आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दबाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है, और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। तो आप सुन रहे हैं, ये राहुल गांधी सांसद हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और इनका ये ट्वीट। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने मोदी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी के लिए शहंशाह शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सचमुच मोदी के काम किसी प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि मनमाने राजा के दिख रहे हैं। देश में इस वक्त बेरोजगारी, अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ती नफरत, महंगाई, प्रदूषण, जंगलों की कटाई, आदिवासियों के हक छीनना, महिलाओं पर अत्याचार, शिक्षा संस्थानों की बुरी हालत, स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाली, किसानों मजदूरों की दुर्दशा, ऐसे न जाने कितनी समस्याएं हैं जिन पर सत्ता पर बैठे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी का सारा ध्यान इस वक्त केवल राम मंदिर पर है, उन्हें कुछ और दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है। इसीलिए लोगों को उनके हाल पर छोड़कर मोदी अब विशेष अनुष्ठान में लग गए हैं। मोदी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस शुभ अवसर पर साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। उन्होंने कहा है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो 11 दिनों का एक विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। इधर मोदी जिस अवसर को शुभ बता रहे हैं दोस्तों, उसका चारों शंकराचार्यों समेत कई धर्म गुरुओं ने विरोध किया है, और राम मंदिर उद्घाटन में न जाने क्या क्या कुछ और आगे हो, लेकिन इन चारों शंकराचार्यों और बहुत सारे अलग अलग धर्म गुरुओं ने न जाने का फैसला किया है इस राम मंदिर के उद्घाटन में, ये तो आप जानते ही हैं। आपको यह भी याद दिला दूं दोस्तों कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे इंडिया के नेताओं ने मंदिर उद्घाटन में न जाने का फैसला लिया है, जिस पर आज बीजेपी ने उन्हें सनातन विरोधी ठहराते हुए एक पोस्टर जारी कर दिया है।
उस पोस्टर को भी जरा स्क्रीन पर ले आइए। बीजेपी ने एक्स पर यानी ट्विटर पर शेयर किए गए इस पोस्टर के साथ लिखा है, पहचानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। ये आप देख लीजिए, ये बीजेपी का ट्वीट है और इसमें लिख रहे हैं, पहचानिए राम मंदिर के न्योते को ठुकराने वाले चेहरे, सनातन विरोधी इंडी गठबंधन। ये बीजेपी का पोस्टर है। इस कदम से बीजेपी ने जाहिर कर दिया है कि उसके लिए राम मंदिर उद्घाटन एक बड़ा राजनीतिक स्टंट है और इसमें वो किसी भी तरह अपने विरोधियों को नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन इंडिया के जो दल हैं उसकी एकजुटता से बीजेपी के सारे स्टंट बेकार होते जा रहे हैं। और इसी मसले पर आज कांग्रेस ने एक सुबह सुबह एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो वरिष्ठ नेता इनके थे, मीडिया विंग के पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, कैसे यहां एक तरफ तो पोस्टर बीजेपी जारी कर रही है लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सनातन विरोधी है पार्टी बीजेपी, और हिंदुओं को दो फाड़ या सनातनों में दो फाड़ कर दी है बीजेपी ने। जरा सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत को। अंतिम बात एक यही कहना चाहती हूं यहां पर, भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कुछ जो वक्तव्य भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे हैं, सुन लीजिए तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदाय में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है, और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहां पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। ये व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है, अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहे, हमें पूरी स्वतंत्रता है, जो पार्टी को है, हम में से कोई कभी भी जा सकता है। तो इसका जो विभत्स रूप दिया जा रहा है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश पर दो चार शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंकराचार्य इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान है। तो सुन रहे थे आप यहां सुप्रिया श्रीनेत को, शंकराचार्य आखिर क्यों इसका बहिष्कार कर रहे हैं और शंकराचार्यों का अपमान हिंदू धर्म का अपमान है, और कैसे इन्होंने हिंदू धर्म में ही, यानी कि ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया है, ये आरोप लगा रही हैं। बहुत बड़ा आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है, और बीजेपी के ऊपर आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब धर्म की राजनीति हो रही है तो यहां कांग्रेस क्यों चुप बैठेगी। और दूसरी तरफ आपने देख लिया कि बीजेपी ने जो पोस्टर जारी करके बताया है कि जरा उस पोस्टर को फिर से ले आइए, बीजेपी के उस पोस्टर को, और पोस्टर में बीजेपी ने जो कुछ बताया उसमें साफ साफ कहा है, देखिए, कि पहचानिए राम मंदिर के न्योते को ठुकराने वाले चेहरे, सनातन विरोधी इंडी गठबंधन। ये साफ साफ यहां कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन के लोग यहां नहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी में जैसी बेचैनी, उनकी जो यात्रा है उसको लेकर आगे निकल रहे हैं, तो बीजेपी में अलग बेचैनी है। वो भी यही बता रही है कि खुद बीजेपी को ही यकीन नहीं है कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि धर्म के नाम पर जो भी सियासी तमाशा बीजेपी ने खड़ा किया है उसमें अब वो खुद एक तमाशा बनकर रह गई है। न्याय यात्रा को पहले मणिपुर से रोकने की कोशिश हुई और अब असम की राजधानी गुवाहाटी से इस यात्रा को नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने दो रात वहां ठहरने की, अलग अलग जगहों पर ठहरने के लिए अनुमति मांगी थी। अनुमति पहले दे दी गई लेकिन उसके बाद फिर वहां हिमंता विश्व शर्मा सरकार ने यह बताया कि अब हम अनुमति नहीं देंगे। चलिए जो भी हो, वो तो अब यात्रा निकल रही है मणिपुर से, आगे यात्रा कहां तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी और शायद राहुल गांधी आगे बढ़ते रहेंगे। और एक ये कारवां जो है, ये शायद, इसलिए शायद कह रहा हूं क्योंकि दक्षिण से उत्तर तक आपने देखा था कि ये यात्रा बहुत ही शानदार तरीके से निकली थी और पहुंची भी थी अपने मंजिल तक, और वैसे ही शायद अपनी मंजिल तक फिर से पहुंचे ये यात्रा। लेकिन
जब धर्म और संप्रदाय और अलग अलग बातें होती हैं तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक चेहरा वहां पवन खेड़ा का भी था। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है ये सुन लेते हैं पहले और फिर यात्रा में आते हैं कि क्या कुछ उधर चल रहा है, सुनिए जरा। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए ये बताने वाले आप कौन हैं। प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा। जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं, ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम, लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो राम भगवान। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप बाकी चीजें जो राम मंदिर को लेकर और ये जो बता रहे हैं वो विज्ञापन कि भगवान राम को बचपन बाल स्वरूप राम को लेकर जा रहे हैं मोदी जी और ये सारी बातें होती रही हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप राहुल गांधी की देख रहे हैं जो यात्रा, इसलिए क्योंकि दो पैरेलल चीजें, दो दिन बाद यानी परसों से राहुल गांधी मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और ठीक आज ही के दिन, आज के दसवें दिन यानी 22 तारीख को इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े तामझाम के साथ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा वो है जो धर्म की यात्रा है, मंदिर का उद्घाटन। अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन मंदिर कितना बना है कितना नहीं बना है, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी जारी है नहीं है जारी, ये सारी बातें आप तक हम पहुंचा चुके हैं। आइए पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल के आगे क्या बीजेपी का डर जो है वो सामने तरह तरह से सामने आ रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं और आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग जो मुद्दे हैं कांग्रेस के, उन मुद्दों के सामने कैसे बीजेपी हार रही है। हम लिख भी रहे हैं कि मुद्दों की रेस में कांग्रेस से हारी बीजेपी, कैसे मुद्दों की रेस में बीजेपी कांग्रेस से हार रही है, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो न्याय यात्रा का मसला हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का मसला हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तैयारियां और एनडीए की तैयारियां, गठबंधन बनाम गठबंधन ही अगर चर्चा की जाए, कल हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, तो उन तैयारियों में भी क्या कुछ हो रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, इस रेस में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हम तो साफ साफ लिख रहे हैं एक प्रश्नवाचक चिन्ह एक्सक्लामेशन के साथ, एक्सक्लामेटरी वर्ड के साथ में, सेंटेंस के साथ में, आप देख रहे हैं कि मुद्दों की रेस में कांग्रेस से हारी बीजेपी, कैसे हार रही है, चलिए उसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ चार वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। मीनू जी सीधे आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इंडिया गठबंधन की बहुत सारी खबरें हैं, कल वर्चुअल मीटिंग है इंडिया गठबंधन के, तमाम दलों के वरिष्ठ नेताओं की भी बैठक है, कल वर्चुअल बैठक हो रही है, ये खबर अभी थोड़ी देर पहले आई, और उसके अलावा राहुल गांधी के ट्वीट को आपने देख लिया, युवाओं को सीधा संबोधित करते हुए आज स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए वो ट्वीट भी आपने देख लिया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अनुष्ठान कर रहे हैं 11 दिनों का, ये चल क्या रहा है मीनू जी, ये अनुष्ठान अभी होता है क्या? जी देखिए, ये अनुष्ठान ये जो चल रहा है ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक इस देश का प्रधानमंत्री है वो अनुष्ठान में लगा हुआ है जो कि उसका काम नहीं है, और दूसरी तरफ विपक्षी दल है वो काम कर रहे हैं जो असल में देश के राजनीतिक दलों का और उसके नेताओं का काम होता है, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो जनता के मुद्दों पे अपना फोकस बनाए हुए हैं और उनको चुनाव से पहले भी उठा रहे हैं और आगे भी तैयारी कर रहे हैं उठाने की, उसके अलावा जो चुनाव से संबंधित सीट शेयरिंग है या जो भी उनके गठबंधन की जो उनके कमिटमेंट्स हैं वो उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसके पास इतना खाली समय है
कि वो अनुष्ठान पे लगा हुआ है 11 दिनों के। अब ये 11 दिन के अनुष्ठान मुझे तो क्लियर नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो एक जगह बैठ के वहां मंत्रों कुछ जाप वगैरह या कुछ ऐसा करेंगे जैसा मुझे आइडिया लगता है। तो मेरा ये कहना है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो उनके अनुपस्थिति में जो संभालेगा देश का राजकाज किसी को डेजिग्नेट किया है क्या, भाई राजनाथ सिंह को डेजिग्नेट कर दिया हो या होम मिनिस्टर को कर दिया हो, रक्षा मंत्री को या वित्त मंत्री को, क्योंकि अनुष्ठान से उठेंगे तो है नहीं। अगर भाई अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो लगातार ही बैठेंगे वहां पे ये। और जो प्रधानमंत्री ऑफिस की जो फाइलें हैं, कहा जाता है भी अंबार होता है फाइलों का साइन करने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है किसी को जो साइन करेगा उनकी एब्सेंस में, मतलब खेल बना रखा है। आप ठीक है, आप प्राण प्रतिष्ठा तक में जाने का, जजमान बनने तक का तो आइडिया सही था, लेकिन ये अनुष्ठान का तो ये एक्सट्रीम हो गया, टू मच, इनफ इज इनफ। मतलब और अगर आप अनुष्ठान पर अनुष्ठान की बात कर रहे हैं तो फिर पत्नी भी लाइए, अब बोलना पड़ेगा। अभी तक तो हम इसको व्यक्तिगत व्यक्तिगत करके चुप हो जाते थे कि चलिए व्यक्तिगत है उनके जीवन की बात, लेकिन अब आप अपने जब अपने आप इतने अनुष्ठान तक पे उतर आए हैं, 11 दिन तक आप अनुष्ठान करेंगे और उसमें डेफिनेटली कामकाज को छोड़ेंगे, तो फिर आप पूरा अनुष्ठान करिए, फिर पूरे विधि विधान के साथ शास्त्र सम्मत करिए, जिसकी की कहा जा रहा है बार बार कि पत्नी का होना जरूरी है। अब हो सकता है, क्या पता 22 तारीख तक इंतजार करें, हो सकता है वो शुभ घड़ी भी आ जाए, पत्नी भी शायद वहां पे आपको उस दिन दिखाई दे, चाहे छाया ही दिखाई दे उनकी या फोटो ही दिखाई दे। हो सकता है पंडितों ने निकाल दिया हो कि भी आप ना पॉकेट में फोटो रख लेना जसोदा बहन की, हो जाएगा काम उससे ही, ये भी हो सकता है, इसीलिए वो इतने निश्चिंत हैं। तो प्रधानमंत्री जो है, देखिए धर्म करें अपना, लेकिन उसको प्राइवेट रखें। आप धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन आप उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं पब्लिकली कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं। आप अनुष्ठान जो कर रहे हैं तो मतलब किससे आपने परमिशन ली, खुद को अपने आप जबरदस्ती बना लिया कि मेरे अंदर, मैं जब भगवान को देखूंगा तो 140 लोगों की 140 करोड़ लोगों की दृष्टि से मैं देखूंगा। मतलब वो ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी दिव्य ताकत आ जाएगी उस दिन कि जो मैं 140 करोड़ लोगों की जो ऊर्जा मेरे अंदर उस दिन होगी, मतलब हद है भाई, खुद का इतना ग्लोरिफिकेशन एंग्रेडाइजमेंट करने की भाई हद है। मतलब कमाल है इस व्यक्ति का कि इन्हीं कामों में लगा रहता है दिन भर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुष्ठान भी चल रहे होंगे और ड्रेस रिहर्सल भी चलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से हर मंत्रोच्चार पे एक ड्रेस बदलेंगे प्रधानमंत्री। तो ये चीजें जो है ये कोई ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। और इनके देखा देखिए आज देश के चीफ जस्टिस भी लगे हुए भगवा कपड़े पहन के, धोती कुर्ता पहन के, वो द्वारकाधीश की उसमें गए हैं पूजा अर्चना करने, और उसको बाकायदा ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब सारे कुएं में भांग पड़ गई है राजीव जी, मतलब किसी को आप, मतलब चीफ जस्टिस से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का नौटंकी करेंगे, और उन्होंने अपना बिल्कुल साफ साफ प्रदर्शन करके बता दिया, वो तो गोगोई से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने बता दिया है कि भाई मैं क्या हूं और क्या चाहता हूं। लेकिन लोग सवाल करेंगे कि मीनू जी से ये सवाल होगा कि अगर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रधानमंत्री भगवा कपड़ा पहने पूजा या अनुष्ठान करें तो इसमें क्या हर्ज है, ये सवाल होगा तो क्या जवाब है? नहीं तो उसमें आप न्यूज एजेंसी को क्यों ले जा रहे हैं साथ, और फिर उसको इंटरव्यू दे रहे हैं फुल फ्लेजेड, और आप उसके बाद बता रहे हैं कि द्वारकाधीश के मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसका क्या मतलब है, और गांधी जी से जोड़ रहे हैं उसको कि जैसे गांधी जी निकले थे देखने के लिए ऐसे मैं निकला हुआ हूं देश को देखने के लिए। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये आपने आज से पहले देखा क्या किसी चीफ जस्टिस को इस तरीके से धोती कुर्ता, और वो भी भगवा रंग का, मतलब भगवा रंग साधुओं का रंग देखा था आज तक हमने, साधु पहनते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस जिस तरीके से वो, क्योंकि देखा देखी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भाई अब यही रास्ता है मुक्ति का, कि आप उसमें आप भूल जाइए आप चीफ जस्टिस है या कौन है, और प्रधानमंत्री जी उनकी तारीफ कर रहे हैं उसके उस जेस्चर की कि भाई आप गए और आपने बताया, और वहां पे वो गुजराती में भी बोल के दिखा रहे थे, राजकोट में वहां किसी चैम्बर का उद्घाटन करने गए थे तो बता रहे थे कि मैं गुजराती प्रेम भी है भाई मेरे अंदर, सब है क्वालिफिकेशंस, तो मेरी कुर्सी तैयार रखना। तो उन्होंने अभी, वो सबसे ज्यादा चतुर निकले, उन्होंने सबसे पहले ही अपनी रिजर्वेशन करवा लिया चीफ जस्टिस ने। तो इस देश का लोकतंत्र जो है राजीव जी, वो तो आप ये समझ लीजिए कि अंतिम सांसें गिन रहा है बिल्कुल,
और 2024 तक क्या होगा वो इसका रिजल्ट जो ये हो रहा है इस देश के अंदर वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। मतलब देश का प्रधानमंत्री अनुष्ठान में लगा हुआ, उसको ये चिंता नहीं है कि आंकड़े जारी हुए हैं कि युवाओं की बेरोजगारी दर 40% से ऊपर बताई जा रही है और वो 11 दिन के अनुष्ठान में लगे हुए हैं। मतलब उनको इस चीज की चिंता नहीं, उनको मालूम है कि मुझे क्या करना है। अंत में वो 5 किलो राशन या कुछ 1000-2000 रुपए का मंथली बांध देंगे उनका, या बाई एनुअल बांध देंगे, जो भी कुछ बांधेंगे, कुछ भी करके, और लोग चुप, क्योंकि लोगों को मालूम है कि उनको वहां लगा देंगे ना, कांवड़ उठाने में लगा देंगे, या झंडे लगाने पे, या हनुमान चालीसा पढ़ने में उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है उसके भी पैसे पेमेंट मिलता होगा इन लोगों को। तो बिल्कुल जो जो प्रधानमंत्री का काम है राजीव जी, वो प्रधानमंत्री वो काम नहीं कर रहे हैं। और आप और क्या कर रहे हैं आप, जो ये विपक्ष का जो आपने पोस्टर दिखाया कि इन्होंने जारी किया कि देखिए ये है रामद्रोही जो वहां नहीं जा रहे हैं, मतलब जैसे पुलिस थाने में लगा रहता है पोस्टर लगे रहते कि ये है अपराधी, ये है इनामी बदमाश, ये है इनामी चोर डकैत फरार, लोगों की तस्वीरें लगी रहती हैं। जैसे मतलब आपने उनको अपराधी घोषित कर दिया है, देश के नेताओं को, जो विपक्ष पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं अपने राज्यों में, अपने जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के। आप मतलब हिम्मत देखिए, उनकी हिमाकत देखिए, मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए इनको कि क्या तरीका है, हम क्या अपराधी क्या है, हम कौन है, क्या डकैती होगी, क्या हत्या कर दी है हमने जो आपने इस तरीके के ये पोस्टर जारी कर दिया हमारे नाम से। मतलब शर्म आनी चाहिए। तो अगर जो कोई जो 22 तारीख को जो नहीं जाएगा वो रामद्रोही है, देशद्रोही है, और हो सकता है मुकदमा भी चल जाए। हो सकता है राजीव जी कुछ भरोसा नहीं, जो इनविटेशन जिनको मिला ना जाए तो उनको मुकदमा भी हो सकता है। जी पोस्टर तो जारी कर ही दी है बीजेपी ने, पोस्टर जारी करके और बता रहे हैं कि पहचानिए राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे, इंडिया गठबंधन के कुछ नेता जो नहीं जा रहे हैं और ये विरोधी हैं, कैसे हैं सनातन विरोधी, उसके चेहरे पहचानिए, ये पोस्टर जारी करते हुए बीजेपी ने जो लिखा है वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा परसों से शुरू हो रही है मणिपुर में, और हमारी टीम कल से मणिपुर में रहेगी और कल शाम से हम लगातार कवरेज आपके सामने पहुंचाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है मणिपुर में, अगर इंटरनेट की सेवाएं वहां बहाल रहे तो। नहीं तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इंटरनेट की सेवा वहां बहाल होगी कि नहीं। हालांकि कह तो रहे हैं कि इंटरनेट अभी वहां है और इंटरनेट की उपलब्धता है, तो फिर आप तक हम पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट क्या कुछ चल रहा है। 14 तारीख को यानी परसों मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो मणिपुर से आगे बढ़ेगी, नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, तमाम अलग अलग राज्यों में, और पूर्वोत्तर का ये के जो राज्य हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद चुनाव पर क्या असर पड़ता है, लेकिन उससे पहले देश की जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के जरिए, उसमें क्या कुछ आता है ये सब कुछ देखना होगा। और उत्साह बहुत ज्यादा है कांग्रेस में, साफ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और एक तीसरी तैयारी चल रही है जो इंडिया गठबंधन की और सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो यहां दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक चल रही है, फाइनल बैठक है आज, और कहा जा रहा है कि अभी से 2 घंटे बाद जब ये उठेंगे या 1 घंटे बाद जब भी बैठक खत्म होगी तो शायद आगे बैठने की जरूरत नहीं हो, इसी ढंग की मीटिंग के लिए के साथ में, इस ऐसे ही विचार के साथ में बैठे हैं लोग। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, सीधा समझना चाहता हूं आपसे कि भारत जोड़ो यात्रा, सीटों का बंटवारा, मुद्दे इतने हैं जिसमें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आगे निकलते हुए दिखाई देती है, कांग्रेस पार्टी खासकर, और हर मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कितने पहले गिना चुका हूं आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और उसमें क्या एक सिर्फ और सिर्फ इस वक्त राममय इस देश को कर देना, देश नहीं बल्कि उत्तर भारत को कर देना, क्या इससे लगता है कि आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा? ये पहले से भी राजीव जी चर्चा में कर रहा हूं इस बात की कि बीजेपी ने बड़ा रिस्क लिया है,
लेकिन उस पर मैं आता हूँ। पहले तो जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं जी, देखिए बहुत बड़ा देश है भारत और इसमें हमारे तो राज्य इतने हैं कि जिसमें कि यूरोप के कई देश समा जाएं एक एक राज्य में। इतनी भाषाएं, इतनी गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमी, दुनिया भर की समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं जी, और इन सब के लिए एक बड़ी व्यापक समझ और सलूशन चाहिए और उन समाधान का तरीका लोकतांत्रिक होगा और इसीलिए चुनाव होते हैं और चुनाव में वो मुद्दे आते हैं कि नए कानून, नई नीतियां, नई योजनाएं बनती हैं और इस तरीके से देश समाज आगे बढ़ता है और कैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है वो काम करें। और आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में सब कुछ पीछे गया है। अभी मीनू जी बता रहे थे बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र में आप देखिएगा जी, आपको दिखाई देगा कि हम पहले से पीछे जा रहे हैं। हमारे देश में इतना बड़ा एक युवा वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, इसके पास स्किल है, लेकिन उसके लिए हमारे पास रोजगार नहीं है। इन सारी समस्याओं का हल अयोध्या से नहीं आ सकता। अयोध्या से जो हल है वो एक आध्यात्म का है कि ठीक है भाई आपको मन की शांति चाहिए तो आपको ये धार्मिक स्थान पे जाना आवश्यक है, जाते हैं लोग इसीलिए। और जैसा मैंने राजीव जी पहले कहा था कि दबाव बहुत है बीजेपी के ऊपर और मोदी साहब के ऊपर, और उस दबाव के चलते 22 तारीख के कार्यक्रम का स्वरूप बदलेगा। एक तब्दीली आई उसमें कि आडवाणी जी को बुलाया गया, दूसरी तब्दीली ये आई कि अब चंपत राय के अलावा बाकी लोग भी लगाए गए, तीसरी तब्दीली अब आप बता रहे हैं कि जी अनुष्ठान होगा कोई, वो अभी चालू हो जाएगा अनुष्ठान, मोदी जी कर रहे हैं वही, उन्होंने ही घोषणा की है। हाँ, तो ये सारी तब्दीलियां वहां हो रही हैं, लेकिन दबाव इतना ज्यादा है, कांग्रेस का दबाव नहीं है, दबाव धार्मिक जो लोग हैं शंकराचार्य उनकी तरफ से दबाव है, और उस दबाव के चलते जो है आप देखिएगा कि इसका स्वरूप बदलेगा। ये जो मोदी जी अपने आप को सुपर शंकराचार्य या किसी किस्म का अवतार घोषित करने का जी, और उसी के सहारे चुनाव में जाने का, ये बड़ा रिस्की मामला है जी। और मोदी साहब खुद भी जानते हैं, इसलिए 2014-19 में, 14-19 दोनों में वो अयोध्या नहीं गए प्रचार करने, आसपास रहे लेकिन अयोध्या नहीं गए जी। तो एक तो ये बात, दूसरी चीज़ है कि देखिए जब 22 तारीख को वो जाएंगे तो भारत जोड़ो यात्रा एक हफ्ते की हो चुकी होगी और उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा, और इसका एक लिमिटेड भौगोलिक इम्पैक्ट है जी, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्योंकि अब बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है और राजनीति के हिसाब से ही इसका हम आकलन करेंगे, मैं इसका आकलन सिर्फ विशुद्ध राजनीति के हिसाब से करूंगा कि क्या राम मंदिर के इस अनुष्ठान से बीजेपी को 37% से ऊपर वोट शेयर आने जा रहा है। तो मेरा आकलन अभी होगा कि नहीं आने जा रहा,
और हो सकता है कि ये वोट शेयर घट जाए इस बार जी, क्योंकि तमाम जगहों पे जहां पे पिछली बार पुलवामा का वोट मिल गया था वो वोट इस बार नहीं मिलेगा। दूसरा कि सिर्फ 37% या 38% या 2% मान लीजिए कि बढ़ जाता है वोट शेयर, 39% हो जाता है, 40% हो जाता है, क्या ये 40% वोट शेयर काफी होगा बीजेपी को तीसरी बार, मोदी साहब को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए? मेरा उत्तर होगा कि नहीं होगा जी, इसलिए क्योंकि इस बार ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स इस 40% से ज्यादा बड़ा है, सीटों के समझौते हो रहे हैं, लगभग उसमें सील कर रहे हैं लोग कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी की तरफ से, वो सीटों के समझौतों में कोई बहुत विवाद नहीं नजर आ रहा है, सारी पार्टियां बहुत परिपक्वता से अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, जाहिर सी बात है कि वो अपने हितों को करेंगे, जैसे मान लीजिए कि साउथ बॉम्बे की सीट में एग्जाम्पल देता हूँ, अभी अभी फैसला नहीं हुआ है, शिवसेना लगातार दो बार से जीत रही है साउथ बॉम्बे की सीट, कांग्रेस के मिलिंद देवरा या उनके पिताजी मुरली देवरा साउथ बॉम्बे से आते रहे थे लगातार जीत के, तो ये सीट कांग्रेस भी चाहती है कि मिलिंद देवरा को दे दी जाए, शिवसेना दो बार जीत चुकी है उसका लेजिटिमेट क्लेम है, इस तरीके कुछ सीटें होंगी जहां विवाद होगा, जहां कुछ गिव एंड टेक होगा, लेकिन 90% सीटें लॉक हो गई हैं और चुनाव इन्हीं सब चीजों से लड़ा जाता है, एक मुद्दे पर चुनाव कभी भी नहीं लड़ा जाता, एक मुद्दे पर अगर वो मुद्दा नहीं चला तो फिर आप कर लीजिए कि पूरा चुनाव जो है वो, इसलिए बार बार कह रहा हूं राजीव जी कि एक इस आयोजन का स्वरूप बदलेगा, 22 तारीख तक जैसा स्वरूप दिख रहा है वैसा नहीं होगा जी। आज अगर बीजेपी ने दबाव में कांग्रेस के लोगों की तस्वीरें जारी की हैं ये कहते हुए कि रामद्रोही हैं, इसका मतलब है कि ये दबाव है उनके ऊपर जी, ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, ये दबाव दिखा रहा है, दबाव है बिल्कुल, तो उस दबाव का नतीजा जो है वो अभी आपको और दिखाई देगा कि ये स्वरूप बदलेगा इस कार्यक्रम का। और दूसरी बात कि फरवरी तक यानी चुनाव के पहले पहले आप देखिएगा कि बीजेपी को किसी और बड़े मुद्दे की तलाश होगी और वो हमको अभी दिखाई दे जाएगा राम मंदिर के इस आयोजन के 10 दिन बाद कि बीजेपी अगला बड़ा मुद्दा क्या उठाने जा रही है, क्या ऐसी चुनाव लड़ेगी कि अगला। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। कोई और मुद्दा लाएंगे, मेरी समझ ये कह रही है कि सिर्फ राम मंदिर चुनाव बीजेपी नहीं जाएगी। बिल्कुल, सिर्फ राम मंदिर पे ये हम लगातार बात कर रहे हैं, प्रशांत टंडन जी लगातार ये बात कह भी रहे हैं कि शायद ये मुद्दे बदल लें, हम मुद्दों की रेस की बात कर रहे हैं, मुद्दों के रेस में कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं कई अलग अलग मुद्दों को लाकर रख रहे हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस काफी आगे है बीजेपी के आगे, इसलिए हम लिख भी रहे हैं कि कांग्रेस से हारी बीजेपी, मुद्दों के रेस में कैसे कांग्रेस से बीजेपी हार रही है और क्या 2024 में इन्हीं मुद्दों के कारण बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, एक बड़ा सवाल है इस वक्त के लिए, लेकिन कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं और तीसरी बात जो लगातार हम चर्चा जिस पे कर रहे हैं वो है इंडिया गठबंधन की मजबूती की। इंडिया गठबंधन की एक बैठक अभी चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में और दोनों के बीच आज सीट शेयरिंग के लिए फाइनल मीटिंग है। इसके अलावा एक बैठक लगातार और भी होने वाली है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी 5 सदस्यीय टीम बना ली है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव से मुलाकात और बात सीटों के बंटवारे को लेकर करने से पहले मायावती से बात करना चाहती है कांग्रेस पार्टी।
जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ खबरें हैं इस पे? अगर कोई इंपॉर्टेंट पहलू इसमें है तो जरा जोड़ने की कोशिश कीजिए। और मायावती जी का आना, इस पर भी बहुत चर्चा हो रही है। 15 तारीख को मायावती जी का जन्मदिन है और शायद ये भी कहा जा रहा है कि उस दिन हो सकता है कि वो घोषणा करते कि हमारी पार्टी शामिल हो रही है इंडिया गठबंधन में। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है और वो भी अब सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ है अपडेट अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि जो अभी तक सूचनाएं हैं उसके मुताबिक तो यही है कि शायद अखिलेश यादव भी तैयार है और जिद छोड़ चुके हैं जो उनकी जिद थी, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई है कि अब बड़ा गठबंधन जो है वो चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है वो पहला लक्ष्य है। तो इसलिए सीटों के बंटवारे को लेकर के जो बातें थी, मुझे लगता है वो शायद अंदर अंदर सब चीजें तय हो चुकी हैं और केवल उनको फाइनल मोहर लगना जो है वो बाकी रह गया है। उसमें बीएसपी भी शायद शामिल है। अब 15 जनवरी को घोषणा होती है कि नहीं होती ये अभी नहीं कह सकते। हो सकता है 15 जनवरी की घोषणा हो या केवल ये घोषणा हो कि जिस तरीके से बहन जी की अपनी एक रणनीति रहती है कि ये सबको एंड टाइम तक जो है वो चौंकाने वाला तो कुछ संभाल के रखें, या अपने जन्मदिन पे जो है कोई घोषणा कर दें, सिर्फ इशारे दे दें जैसे अभी तक वो इशारे देती रही हैं, तो ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी मामला जो है लॉक है एक तरीके से, और ये समझदारी की बात होगी अगर सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी ये सब मिल करके अगर चुनाव में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है और इस बात को ये महत्व जो है वो अखिलेश यादव की भी समझ में आ गया है। और कांग्रेस तो खैर इस चीज को समझ ही रही थी, खासतौर से कांग्रेस की जो यूपी की इकाई है और यूपी के जो नेता है वो इस बात को पहले समझ रहे थे। आपको याद होगा राजीव जी, असल में जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस समय जो एक तनातनी देखने को मिली थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो असल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तनातनी नहीं थी। वो तनातनी यही थी कि उत्तर प्रदेश की इकाई जो थी वो असल में बहुजन समाज पार्टी से समझौते की पक्षधर थी और उसका कहना था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ भी समझौता किया जाए, अखिलेश यादव भी साथ रहते अच्छी बात है, नहीं रहते तो उनके बदले उसको किया जाए। तो ये सूचना थी, अखिलेश यादव भड़के हुए इससे थे, तो उसी में जो थी वो सारी चीजें हुई। उन्होंने फिर जो अजय राय के लिए कुछ कह दिया कि चिरकुट नेता और कमलनाथ ने कह दिया, वो सारी चीजें फिर होती रही। लेकिन अब जाकर के ये चीज समझ में आ गई मध्य प्रदेश के चुनाव के परिणाम आने के बाद कि खतरा ज्यादा बड़ा है, खतरा बहुजन समाज पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, खतरा जो है वो सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ही है। तो ये मुझे लगता है कि बात समझ में आने के बाद फिर ये तय हुआ होगा कि भाई अब जो है सब ठीक ठाक किया जाए। और इसीलिए अखिलेश यादव का जो पिछले दिनों आया एक खबर कि उन्होंने अपने विधायक को डांट दिया, वो इसी के मुझे लगता है कि वो चीजें थी। तो अब मुझे लगता है कि जो 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन है तो उस दिन शायद वो कुछ घोषणा कर सकती हैं, और नहीं भी करती हैं तो कुछ संकेत जरूर देंगी वो, मतलब कुछ अपनी लाइन बताएंगी कि इस लाइन पे जो है पार्टी उनकी जाएगी कुल मिलाकर के। बहरहाल जाती है जो भी होता है, लेकिन मुद्दे फिलहाल राजीव जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, मुद्दे इस समय इंडिया गठबंधन के ही पास है। और जिन मुद्दों की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है उन मुद्दों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। खासतौर से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है 14 जनवरी को, जिसके लिए आप जा रहे हैं कवरेज करने के लिए, वहां जहां से वो शुरू होगी उसकी आप वहां से रिपोर्टिंग भी करेंगे, तो वो यात्रा जो मुद्दे उठाएगी उन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रहार हो रहे हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू धर्म की मर्यादा भी भूल गई और शंकराचार्यों के ऊपर प्रहार करने लगी। तो ये एक तरीके से कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है उससे गलतियां लगातार हो रही हैं। और जैसा कि प्रशांत जी कह रहे थे, कल ही कह रहे थे शायद, कि राहुल गांधी बहुत जो है वो स्मार्ट राजनेता है, तो राहुल गांधी स्मार्ट राजनेता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो गलतियों पे गलतियां लगातार करती जा रही है। और जिस तरीके से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान जो है वो जारी वायरल हो रहा है कि मोदी जी जब थे उनसे वो मांगने के लिए गए थे कुछ आशीर्वाद की गलती ना हो, तो वो गलतियां इतना कर रहे हैं कि वो भूलना मुश्किल है। तो मोदी जी लगातार गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार गलतियों पर गलतियां करती चली जा रही है, और कांग्रेस पे हमला करने के चक्कर में हिंदू धर्म की आस्था पे और हिंदू धर्म की जो शास्त्र सम्मत विधियां हैं और हिंदू धर्म की जो पद्धतियां हैं उनके ऊपर हमला करने लग गई है। तो मुद्दे कुल मिलाकर के राजीव जी अभी भी जो है, मतलब जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना चाहती थी वो मुद्दा भी एक तरीके से कांग्रेस ने छीन लिया, उसके बाद बचा नहीं कुछ। अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब वो करेंगे, अब जाकर के अनुष्ठान करेंगे और 11 दिन जो है वो अनुष्ठान होगा, तो उसी पे जो है वो जो
तमाम लोग जो धार्मिक लोग हैं वही सब सवाल उठाने की भाई ये अनुष्ठान होगा, बहुत अच्छी बात है अनुष्ठान, लेकिन अनुष्ठान होगा किस हैसियत से? आप लाया तो नहीं है, आप डेमोक्रेसी में जनता के प्रतिनिधि हैं तो वहां तो अनुष्ठान तो लाया करता है, तो आप लाया तो नहीं है, और जब अनुष्ठान होता है तो उसकी फिर विधियां हैं, तो उस अनुष्ठान की वो विधियों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहाल चूंकि धर्म का एक विषय है तो वो अलग बहस चली जाएगी उस दिशा में, लेकिन कुल मिलाकर के जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी से हो रही हैं तो उनका पश्चाताप करने के लिए हो सकता है प्रधानमंत्री ये जो अनुष्ठान कर रहे हो और 22 तारीख के बाद फिर रास्ता जो बदलते हुए कुछ नजर आए, चूंकि 14 जनवरी के बाद जो है वो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी वो भी प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी को उसके रास्ते बदलने के लिए काफी हद तक मजबूर करेगी। और इसलिए जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा के बयान आ रहे हैं, कभी मणिपुर के मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं, यात्रा में जो है वो विघ्न पैदा करने की जो कोशिशें की जा रही है, तो आज गौरव गोगोई कह रहे थे कि वो एक तरीके से कहा जाए कि विघ्न जो है वो राक्षस पैदा करते हैं, इस तरीके की मतलब चीज वो कह रहे थे, तो वो पता नहीं विघ्न राक्षस पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो नए मुद्दे लेकर के और गंभीर मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समक्ष आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है इसलिए इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के सामने हारती हुई नजर आ रही है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां हो रही हैं, और हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं, जयशंकर गुप्त जी जुड़ गए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं, आप तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं, और जो साथी बाद में जुड़े हैं हमारे साथ आप सबका भी एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, मुद्दों की बात जरा कर लें, धर्म कर्म की बात इतनी हो रही है, इतनी हो रही है कि हमारे दर्शक भी सोचते होंगे कि कहाँ ये लोग घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं, और मैं घुमा फिरा करके यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को बार बार, कल भी कर रहा था कि अपच वाली स्थिति हो गई है। जरा मुद्दों की बात सोच लीजिए कि अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, अभी कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, चर्चा जरा उन मुद्दों की करें जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जिसकी शुरुआत परसों से हो रही है, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या लगता है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपको, न्याय यात्रा से कितनी परेशान हो सकती है बीजेपी और क्यों परेशान हो सकती है? देखिए राजू जी, 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और चूंकि आज विवेकानंद जी की का ही देख समझिए कि उनको फिर से याद करने का दिन है, तो उन्होंने जब वहां अमेरिका में वहां का जो भौतिक विकास देखा तो कहा जाता है कि वो रात भर रोते रहे और उस पीड़ा से कि कहां अमेरिका जैसा देश पहुंचा हुआ है और भारत कहां पर है। और उन्होंने फिर उसके बाद एक वाक्य लिखा था जो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, दरिद्र देवो भव, इस नाम से उन्होंने लिखा। उनका कहना था भारत के लिए कि इस देश को उठने दो गरीबों की झोपड़ी से, मल्लाह की नौकाओं से, लोहार की भट्टियों से, किसानों के खेत खलिहानों से, मूछियों की झोपड़ी से, गिरी कंदनाओं से, क्योंकि हमारा देश तो वहीं बसता है। अब आप आइए 1947 के बाद, ये सूत्र वाक्य था विवेकानंद जी का दिया हुआ। उस समय भी धार्मिक स्थिति ऐसी थी, भारत इतना ही धर्मप्राण देश था, ऐसी ही धार्मिकता थी, तमाम देवी देवताओं को मानने वाले बहुदेववादी एक देश है जहां अनेक तरह के पंथ हैं, अनेक तरह के आप समझ सकते हैं कि कितने तरह के यहाँ पे आश्रम है, कितने तरह के महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, सारे कुछ है, वो पहले भी था आज भी है। लेकिन नेहरू ने उस रास्ते पे जाने की बजाय उन्होंने जिस बात को पकड़ा था वो था साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ ये वाक्य। और इसी ये जो वाक्य था कि हमको अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाना होगा, वो केवल कल कारखानों के लिए नहीं, अपने विचारों को भी एक तरह से वैज्ञानिकता प्रदान करनी पड़ेगी, तर्क के साथ सोचना पड़ेगा हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है। इसलिए धर्म निरपेक्षता, समानता, ये सारे मूल्य हमारे जीवन में संविधान के थ्रू आते गए हैं। उस समय भी सबसे बड़ी लड़ाई जो थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की, यही लड़ाई थी कि भारत किस रास्ते पर चले। जिन लोगों को लगता था कि ये धर्मनिरपेक्षता, समतामूलक समाज, विश्व बंधुत्व, ये सारी चीजें बेकार है, उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा, जो आज वही ताकतें हमको थोड़ी लग रही कि बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस जो है उसने अपना रास्ता देखिए नहीं छोड़ा, अब उस रास्ते पर अभी भी वो चल रही है। ऐसे ऐसे वक्त पर जब आप एक तरह से जब आप सारे के सारे तरफ के माहौल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो घर घर में जो है वो भगवामय हो गया है, हर घर में जो है रामचंद्र विराजमान हो गए हैं, ऐसा लगेगा आपको। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, इंडिगो फ्लाइट का जो स्टाफ है उसको भी पूरा का पूरा बिल्कुल रामायण कालीन ड्रेस पहना के उनको पेश किया गया,
वहां पर ऐसा आपको लगेगा कि आप इसी समय अयोध्या में उतर रहे हैं। जगह जगह पर मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ, यहाँ भी मैं देखता हूँ कि कई जगह पे सोसाइटी के बाहर जो है हनुमान जी के कटआउट्स बन रहे हैं, राम के बन रहे हैं और जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। तो एक बार की हमको ऐसा लग सकता है कि जो हमारे जो भौतिक जो मुद्दे हैं वो कहाँ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक मुद्दे अभी भी उस जगह पर बने हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ऐसे वातावरण में जब केवल एक हफ्ते बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा हो, क्या राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा निकाल सकते थे, वो भी ऐसी जगह से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं। पहले आप मणिपुर ले लीजिए, फिर उनको असम में आना है और कितनी तकलीफों के साथ। उस अगर ऐसा वाकई होता, ये मुद्दे इतने ज्यादा जो चूंकि आपने लिखा है कि मुद्दों के रेस में कांग्रेस से हारी बीजेपी, तो बीजेपी जिस मुद्दे को इस समय बड़ा करके बता रही है, तो उस माहौल में तो आप यात्रा को टालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। आप ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर पूरी की पूरी सेना ही हमला ना कर दे। सेना मतलब भारतीय सेना की बात नहीं कर रहा हूं, जो दूसरी सेना है जो अक्सर ऐसे इस तरीके के अवरोध पैदा करती है। तो मुद्दों के मामले में पहली बात तो ये हो गई कि एक तरह से कांग्रेस और उसके साथ इंडिया गठबंधन, उसने अपने सारे के सारे मुद्दे फ्रीज कर दिए हैं, वो पुख्ता है, उसी पे टिकी हुई है और उसी के रास्ते वो आगे भी बढ़ने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। अब दूसरा कारण है कि राम मंदिर के समारोह में जब अनुष्ठान की बात करें तो उसका कारण यह है कि वो ये देख रही है भारतीय जनता पार्टी कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस तो अपने मुद्दों से हट ही नहीं रही, इसलिए उसको अपने इस इवेंट को नई नई चीजें जोड़नी पड़ रही है। जिस तरीके से आप बुफे सिस्टम होता है कि आपको नई नई डिशेस पेश करते रहनी पड़ती है कि आप 14 तारीख की ओर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप 22 तारीख की ओर ध्यान दीजिए, इसके कभी अनुष्ठान की बात होगी, कभी इंडिगो फ्लाइट के लोगों को जो है उसको नई नई ड्रेसें पहनाई जाएगी। अभी आप अगले 8-10 दिन और देखिए कि ये जो राममय बनाने की जो कोशिश है वो उसी मुद्दों के का जो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने इतना बड़ा इवेंट किया है वो इवेंट पूरा का पूरा कहीं फ्लॉप ना हो जाए। दूसरी बात, एक बार मैं पहले भी कहा हूं, आज भी प्रशांत जी का जो कहना है कि इस इतने बड़े इवेंट के बाद और करोड़ रुपए खर्च कर देने के बाद और पिछला लगभग 3-4 साल लगा देने के बाद, क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे वो क्वांटम जंप होगा, क्या इतना बड़ा जंप हो जाएगा कि वो संपूर्ण एकीकृत जो विपक्ष है, विपक्षी गठबंधन है, उस सबसे क्या अपने वोट शेयर को ऊपर ले जा सकेगा? क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि भाई देखो अभी तक तो मैं बीजेपी को वोट नहीं देता था लेकिन राम मंदिर बन गया है तो अब मुझे 22 तारीख के बाद मैं अब भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, ऐसा मुझे कहने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, जो राम मंदिर से प्रभावित है वही लोग हैं कि राम मंदिर, आप मैं बार बार कहता हूं कि राम मंदिर आप नहीं बनाते तो भी आपके वोटर कहीं नहीं जा रहे थे, कहां जा रहे थे, वो तो आपके उसके बिना भी आपको वोट देते। तो आपने जो इतना बड़ा खर्च किया है वो आपके संतोष के लिए हो सकता है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यह देश ये सोच रहा है कि इतना बड़ा राम मंदिर हम सब के लिए है, लेकिन असली बात यह है कि ये केवल 6,000 लोगों के लिए बना है, उन्हीं 6,000 लोगों को न्योता है। मैं फिर से पूछता हूं कि जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था तब तो कल्याण सिंह ने कह दिया था कि ये राम भक्त हैं, इनको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। आ जाए सारे राम भक्त फिर से, आ जाए, केवल 6,000 तक आपका क्यों रिस्ट्रिक्शन कर दिया आपने कि केवल 6,000 लोग ही आए? बार बार आपको बोला जा रहा है कि जिन्हें न्योता दिया गया है वे ही आए। भाई राम को बुला, राम मंदिर की ओर से आप न्योता देने वाले कौन होते हैं? ट्रस्टी हैं आप, तो ट्रस्ट जो कहता है, लेकिन क्या आप राम के प्रवक्ता बन गए हैं? ये सारी बातें धीरे धीरे खुलेंगी, अभी लोगों में थोड़ा सा जोश है, इस जोश को निकल जाने दीजिए। 14 तारीख के बाद जब राहुल गांधी चलेंगे, 22 तारीख का भी मामला निकल जाएगा, 22 तारीख हो सकता है एक आध हफ्ते तक ये जो लोगों के बीच जो उसका उत्साह है, राम मंदिर बनने से हर कोई खुश है, हम भी खुश है, जरूर बने, लेकिन किस कीमत पर आप बना रहे हैं ये असली बात आपको देखनी होगी। जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, क्या आप अपने राम भक्तों को भूखा रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं, बीमार रखना चाहते हैं, उनकी अच्छी सड़कें छीनना चाहते हैं, क्या उनको पेयजल नहीं देना चाहते हैं? राम भक्ति का ये तो कोई आधार नहीं है, क्योंकि जो रामराज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी उसमें तो यही था कि मूलभूत मुद्दे जो है लोगों के वो पूरे होने चाहिए, वही असली रामराज्य है। रामराज्य का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा है फिर वो पूरे भगवे कपड़े पहन के वहां पे 2-4 हजार लोगों के साथ बैठ के पूजा पाठ करेगा। रामराज्य कभी भी नहीं, हमने तो महात्मा गांधी की कोई तस्वीर ऐसी नहीं देखी कि वो किसी मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो, लेकिन उनसे बड़ा राम भक्त कौन हुआ? आज तक कोई नहीं हुआ। तो ये जो मुद्दे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा अगले 1.5-2 हफ्ते तक जो है वो बड़ा टेस्टिंग पीरियड है पूरे भारत के लिए। मैं कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के लिए
एक टेस्टिंग पीरियड है, इसको भारत निकाल लेगा, ऐसा मुझे इसलिए विश्वास है कि भारत ने पहले भी ऐसा करके दिखाया है। 1947 के कुछ समय से पहले तक लेकर लगभग 10 साल पहले तक भारत उसी रास्ते पे चला है, उन्हीं मुद्दों को लेकर टिका है। राम मंदिर का मुद्दा नया है, कांग्रेस का मुद्दा टेस्टेड एंड ट्राइड मुद्दा है, परखा हुआ है और सफल मुद्दा है जो आगे और बढ़ेगा। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों की रेस में कांग्रेस से कैसे हारी बीजेपी, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल सिन्हा जी। अनिल जी, आपका भी स्वागत करता हूं और आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल एक बार फिर से जो इस वक्त तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास, फिर आता हूं जयशंकर जी आपके पास भी आता हूं। धनंजय जी, मुंबई महाराष्ट्र भी बहुत चर्चा में है, आप चूंकि वहां से हैं तो जरा वो लिबर्टी ले लेता हूं मैं कि महाराष्ट्र की राजनीति और इस ऐसे भी देश में दूसरे नंबर की लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे नंबर का राज्य है, 48 सीटें हैं और नजरें क्यों ना टिकी हों तमाम दलों के, खासकर कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना, चारों वहां बराबरी के साथ एक दूसरे को चुनौती पेश करते हुए नजर आते हैं। अभी जो कुछ हुआ है वो सब कुछ हमने देख लिया और इसके आगे की कहानी अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेगी हम आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा जब मुद्दे की बात आती है तो सब राम मंदिर को बार बार खींच के लाने की कोशिश भाजपा कर रही है, रोज राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिसमें गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आदिवासियों के साथ जो कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो हो, या उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा नहीं होती है। क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और उनको लोग याद भी कर रहे हैं, उनकी बातों को याद करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है और युवाओं को से सीधे सीधे पूछा है कि आपको क्या चाहिए, दो चीजें, दो में से क्या चाहिए आपको। ये जो तमाम बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इसके साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जहां अन्याय की बात हो उस पर विजय पाने की कोशिश, उसके खिलाफ यात्रा, जरा मुद्दों को अगर देखा जाए कैसे आपको लगता है कि कांग्रेस मुद्दों में या इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पे, हालांकि मेरे कई साथी यहां पर जो हमारे साथी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को लिखते हैं कि सब कुछ कर लीजिए, ईवीएम की चर्चा आप अगर नहीं करेंगे और ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो फिर जीत तो बीजेपी की ही होगी। एक साथी हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका कमेंट देख रहा था, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो लिख रहे हैं कि जितनी चर्चा करनी है कर लो, लेकिन ये मत भूलो कि चुनाव ईवीएम से होना है। तो ये सब जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं उन मुद्दों को दबाने की कोशिश होती है। तो दो महत्वपूर्ण बातें यहां हैं धनंजय जी, पहली बात कि राम मंदिर को बार बार जिंदा करने की कोशिश हो रही है, मतलब मुद्दे के नाम पर कह रहा हूं, दूसरी बात कि एक रेखा लंबी खींची जा चुकी है राहुल गांधी की न्याय यात्रा, और उस न्याय यात्रा को दबाने की कोशिश में इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की जो चाहत है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, आपको पिछड़ती नजर आ रही है, मुझे तो दौड़ती ही नजर नहीं आ रही है, मुद्दों को लेकर दौड़ कहां रही है, पिछड़ेगी तो तब जब दौड़ेगी पीछे जी। राम जो है मुद्दा नहीं है इस देश के लिए, राम इस देश की आत्मा है, क्योंकि हम मर्यादाओं की बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं, दुनिया में संयुक्त परिवार तो हम ही कहते रहे कि हमारा ही परिवार संयुक्त परिवार है, और हमने कहा कि हर घर मंदिर है, ये जो घर घर मोदी जो कहा वो तो अपना मंदिर बिठा रहे हैं हर जगह, ये जो अभी हमारे दीपक भाई ने कहा और सब लोग कहते हैं कि राममय बनाने की कोशिश, राममय बनाने की कोशिश नहीं है, राममय तो देश पहले से, तुलसीदास से ज्यादा राममय क्या करेंगे, ये तुलसीदास ने तो बहुत राम राम कर दिया, हमारे गांव में घर घर में रामचरितमानस जो है कि दोहे जानने वाले पढ़ने वाले लोग होते थे, ये मोदी मय कर रहे हैं देश को और कह रहे हैं कि राम जो है वो तो बीते जमाने की बात है, आज मोदी की बात कीजिए, इसलिए हर जगह मोदी जी अनुष्ठान कर रहे हैं, हर काम मोदी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, आदि शंकराचार्य के अवतार वो, भगवान के अवतार वो, तमाम अवतार वही है, यही तो कहा जा रहा है, चंपत राय जी ने यही तो कहा कि ईश्वर जो है, राजा जो है ईश्वर का अवतार है, आज का राजा तो प्रधानमंत्री, तो ये राजा 2014 में पैदा हुआ राजा जो प्रधानमंत्री ईश्वर के रूप में अवतार लिया, जवाहरलाल नेहरू राजा नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे, और वो प्रधानमंत्री राजा नहीं होते थे, इसलिए उनको गालियां दी जा रही है। तो राम जो है मुद्दा, मैं नहीं राम को मुद्दा मानता हूं,
राम में जिनकी आस्था है, मैं मानता हूं राम हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे समाज में मर्यादाओं को स्थापित किया और कहा कि ये पिता की मर्यादा है। पिता की मर्यादा भी दिखाई पड़ती है, जान लीजिए कि दशरथ ने कहां गड़बड़ी की, वो राम की मर्यादा में वो भी दिखाई पड़ता है। कि अगर दशरथ ने गलती नहीं की होती, दशरथ राजा बनने के बजाय जो है पति बन गए थे, व्यक्ति बन गए थे, और उन्होंने ये वरदान दे दिया था कैकेयी को, और उसी के लिए सारा सब हुआ। खैर हम उसमें नहीं जाते, धार्मिक प्रसंगों पे नहीं जाते, हम सीधे आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि न्याय सबसे बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा न्याय इसलिए है कि जो पूर्व जन्म के न्याय की जो बात करने वाले लोग हैं, जो जो राम को मानते हैं, कथित तौर पे मानते हैं, मैं राम को मानने वाले को नहीं मानता, जो राम को बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। कथित तौर पे मानते हैं वो पूर्व जन्म की बात करते हैं, कहते हैं पूर्व जन्म में आपने बुरे कर्म किए तो आपको देखिए ये खराब मिला, ये बड़े अच्छे कर्म किए थे तो ये देखिए प्रधानमंत्री बन गए। ये जो कहते हैं वो क्या इस न्याय की बात करते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है? उस न्याय में उनका यकीन है? इस जन्म के न्याय में यकीन है? एक शैलेंद्र जी ने गीत लिखा था, उसकी दो पंक्ति है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहां है स्वर्ग? अभी दीपक भाई ने बताया कि जब विवेकानंद गए अमेरिका और उन्होंने वहां की खुशहाली देखी तो रोए और कहा कि काश हमारा देश ऐसा होता, और आकर के उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए देश ही हमारा धर्म है, देश को ही अपना धर्म कहा था। तो ये जो है ये धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दों की बात भी नहीं कर रहे हैं, ये अपनी अक्षमता, ये जो आरएसएस है जो 1925 ईस्वी से हिंदू राष्ट्र लेकर के चल रहा है, उसकी अक्षमता यहां आके फट पड़ी कि शंकराचार्य को गालियां दी जा रही। शंकराचार्य को गाली देंगे धर्म को, हिंदू धर्म की जय जयकार करने वाले लोग, क्या ये कल्पना में कहीं आता है? वेद को गाली दे रहे हैं वो, शंकराचार्य को गाली नहीं दे रहे, आदि शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया था। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको गाली देंगे, ये इनका भगवान मोदी है, राम का तो ढोंग कर रहे हैं। आपने वो फोटो देखा है ना जिसमें राम छोटे हैं और मोदी जी बड़े हैं, उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं, ये कौन राम? ये दिखला दिया आपने, बतलाइए राम ऐसे जिनको मोदी जी पक्का घर दे रहे हैं? बताइए किसको पक्का घर दिया? यहाँ के नागरिकों को आपने वादा किया था इतने लोगों को हम पक्का इतने समय तक पक्का घर दे देंगे, किसको पक्का घर दिया? एक भक्त ने कहा कि आपको पता नहीं है मोदी जी ने लोगों को फ्री में घर दिया है। हमने कहा इंदिरा आवास योजना का नाम सुना है? इंदिरा आवास योजना क्या थी? उसी को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। उस समय कम पैसे मिलते थे, पैसा बढ़ा दिया क्योंकि आपने रुपए का मूल्य इतना अवमूल्यन कर लिया कि आप पैसे की कीमत ही समझ में नहीं आती। तो मैं बोलूंगा मुद्दा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और 40% जो कह रहे थे डॉक्टर दीपक भाई की जो है जो उनको वोट देने वाले हैं वो वोट देंगे देंगे ही नहीं देंगे, उनको भी जो है रोटी चाहिए, वो भगवान के भरोसे नहीं बैठे हैं कि हम मुंह फाड़ के बैठे हैं चातक पक्षी की तरह कि स्वाति नक्षत्र में कि बूंद गिरेगी मेरे मुंह में और मोती हो जाएगा। वो चातक नक्षत्र जो चातक पक्षी नहीं है मनुष्य, उसको इंतजार नहीं है, उसको रोटी चाहिए, उसको न्याय चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको जो है पूर्व जन्म का फैसला कबूल नहीं है। पूर्व जन्म का फैसला अगर कबूल होता तो पुलिस स्टेशन नहीं जाता वो, पूर्व जन्म का फैसला अगर कबूल होता तो वो किसी से आरोप नहीं लगाता कि इसने मेरा छीन लिया, वो ये नहीं कहता कि तुष्टिकरण किया, मुसलमानों को आगे बढ़ाया, पूर्व जन्म में जो बिलीव करता है वैसे थोड़े करे। तो ये तमाम जो लोग हैं ये ठगने वाले लोग हैं, मोदी के नाम पे ठग रहे हैं, राम के नाम पे ठग रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता मोदी जी की ज्यादा हो रही है। राम तो वही रहेंगे, राम तो विराजमान है, राम हमेशा रहेंगे, राम जाने वाले नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वज है, उनको कोई न पीछे कर सकता है न तो उनको कोई उठा करके आगे कर सकता है, राम तो सर्वत्र है। लेकिन मोदी जी की चिंता होती है जब प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो इनका क्या होगा, चलिए वो भी देख लेंगे धनंजय जी, वो भी देख लेंगे नहीं देख लेंगे, देखिए इसलिए देख लेंगे आपको उसके पड़ेगा जी कि जब ये बात होती है, जब न्याय की बात होती है तो न्याय राजा न्याय करता है, अगर तो ये वो संविधान के तहत न्याय करेंगे ना, संविधान के सामने साष्टांग करेंगे ना, आप संविधान को धता बता रहे हैं,
संविधान को मानने को तैयार नहीं है। चौकट पे साष्टांग तो किए थे संसद, तो साष्टांग करके निपटा दिया। जैसे कहा जाता है कि कई दफा जो है धूर्तता में जो है रावण ने किया था ना, साधु का भेष धर लिया था और सीता को ले भागा वो धोखे से, तो ऐसी स्थिति भी होती। लोकतंत्र हर लिया अपने, आपने सांसदों को बाहर निकाल दिया सारे। संसद में क्या होता, संसद में सहमति एक बहुत जरूरी विषय है। पहले कोशिश की जाती है सर्वसम्मति की किसी विषय पे, सर्वसम्मति अगर नहीं हो रही है तब बहुमत का आवरण लीजिए, बहुमत के सहारे चलिए आगे। लेकिन सर्वसम्मति संसद में सबसे जरूरी है। क्या सर्वसम्मति का सम्मान है? जब सर्वसम्मति का सम्मान नहीं है तो न्याय का सम्मान नहीं है। न्याय होता होना जरूरी नहीं है, न्याय होते दिखना भी जरूरी है, तो वो नहीं दिख रहा है, दुख की बात यह है। जी बिल्कुल, न्याय होते दिखना जरूरी है। राहुल गांधी उसी न्याय के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं। सामाजिक न्याय की चर्चा खूब होती रही, हम लोग पहले भी करते रहे, हालांकि बाद में ये सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय के नाम पर राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं परसों से, जिसका कवरेज हम लगातार आपको दिखाएंगे और मणिपुर से हमारी टीम लगातार आपके साथ रहेगी। तो आप जुड़िए कल शाम से ही हमारे साथ, मणिपुर से हम सीधे आप तक लाइव पहुंचाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो न्याय है, न्याय शब्द है, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है और इसी को लेकर जो सामाजिक न्याय की चर्चा राहुल गांधी पिछले चुनावों में भी करते रहे और जाति आधारित जनगणना की बात भी होती रही। जाति आधारित जनगणना एक ऐसा मसला है जिसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ने की थी इन 5 राज्यों के चुनाव में, लेकिन क्या वो मुद्दा अब ठंडे बस्ते में जा चुका है या आने वाले समय में धर्म की जो बात चल रही है उसके अलावा आने वाले समय में यह मुद्दा फिर से आगे बढ़ेगा? और यह मुद्दा अगर आगे बढ़ता है तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार जो मुख्य राज्य हैं इस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, मुद्दे की बात है। आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास इन्हीं सवालों के साथ, कैसे देखा जाए, आप और भी बातें इसमें जोड़ सकते हैं। राजीव जी, 2-3 बातें हैं। अभी इस देश में 2 राजनीतिक आयोजन होने जा रहे हैं। एक राजनीतिक आयोजन जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने जा रहे हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, मणिपुर से कर रहे हैं, और दूसरा राजनीतिक आयोजन अयोध्या में हो रहा है। देखिए, मैं उसको धार्मिक आयोजन नहीं मान सकता। धार्मिक आयोजन होता तो शास्त्र और धर्म के आधार पर होता। जब मंदिर पूरा बन जाता तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की होती, एक बात। दूसरा ये कि अगर आपको बहुत जल्दी थी तो रामनवमी आने वाला है, रामनवमी का त्यौहार अप्रैल में होने वाला है, तो आप रामनवमी के दिन आप कर सकते थे, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपको चुनाव की हड़बड़ी है, मालूम है कि फरवरी में या मार्च में उसके नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की, और अप्रैल में नहीं कर पाएंगे आप तब तक चुनाव निपट जाएगा, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सीधा सीधा ये राजनीतिक है और कुछ इसमें है नहीं। और दूसरी तरफ मतलब आश्चर्य हुआ रहा, अभी जब धनंजय बता रहे थे हमने भी देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। हालांकि मैं धर्म कर्म में ज्यादा यकीन रखता नहीं हूं, बात सही है, लेकिन अयोध्या के वो साधु जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, जिनके आपराधिक कर्मों पर मैंने कवर स्टोरी लिखी थी इंडिया टुडे मैगजीन में, मुंह में राम बगल में छुरी के नाम से, वो साधु वो महंत पाखंडी वो शंकराचार्य को कह रहे हैं कि शंकराचार्य को अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए, और वो मर्यादा सिखाएंगे जो शंकराचार्य पूरे देश और पूरे हिंदू समाज को मर्यादा और धर्म की दीक्षा देते हैं, करते हैं, समझाते हैं, उनको ये मर्यादा का पालन सिखाएंगे निचलानंद सरस्वती को। इस तरह की बातें हो रही, इसलिए इसको एक राजनीतिक आयोजन है। दूसरा यह है कि ये पाखंडी लोग हैं, बेसिकली ये पाखंडी हैं। पाखंडी इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे उन्होंने कहा था ये राम मंदिर तो चुनावी एजेंडा हमारा था। सुषमा स्वराज जी ने कहा था उस समय कि राम मंदिर का मुद्दा एक बैंक के बेरर चेक की तरह से था, और बेरर चेक एक बार जब भुन जाता है तो दोबारा उसे नहीं भुना जा सकता है, ये सुषमा स्वराज जी ने कहा। चलो सुषमा स्वराज जी की बात थोड़ा दिगर भी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल करके आए थे माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जयशंकर गुप्त को हिंदुस्तान अखबार के लिए इंटरव्यू में कहा था कि भाई नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत होती है, क्या यह जरूरी है कि नदी पार करने के बाद नाव को कंधे पर लेकर चला जाए। तो हमने पूछा था उनसे कि क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है आप लोगों के लिए नदी पार करने वाला एक नाव थी, तो मुस्कुरा करके रह गए थे। तो ये इन लोगों के बयान बदलते रहे हैं, अब इनके पास लगता है कि अब कुछ है बचा नहीं है, अब राम जी ही बड़ा पार कर सकते हैं, बीच बीच में करते रहते हैं लोग। लेकिन सवाल एक ही है, एक तरफ एक नेता है, एक युवा नेता है जो मुद्दों से टकराने की बात कर रहा है, जो अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहा है, जो मणिपुर लगातार पिछले कई महीनों से जल रहा है, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें उनके अंधभक्त लोग दावा करते हैं कि साहब उनके कहने पे यूक्रेन और रूस ने युद्ध रोक दिया था, वो प्रधानमंत्री मणिपुर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मणिपुर के बगल के मिजोरम के विधानसभा के चुनाव में हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जाके वहां पर प्रचार कर सके। वैसे माहौल में राहुल गांधी अगर वहां से अपनी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात और इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। कि आदमी वो जा रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, चाहे तुम मैतेई हो, चाहे कुकी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, प्रेम व्यवहार से रहोगे, आपस में संवाद करके रहोगे, आपस की समस्याओं को का समाधान ढूंढने की कोशिश करोगे, बैठ करके बात करोगे तो बात सुधर सकती है, समझ सकती है। जो ये कहने का साहस रखता है, जो पूरे उत्तर पूर्व से लेकर के पश्चिम भारत तक जाने की बात कर रहा है और जगह जगह अपनी बातें पहुंचाना चाहता है, कभी मुद्दों से वो भटक नहीं रहा है, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, ये सारे सवाल लेकर के उठ रहा है वो आदमी, चाहे करप्शन जिस ढंग से बढ़ा हुआ है, या जाति की बातें भी है, जाति एक सच्चाई तो है। तो आपको मालूम है ना कि जिस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उसी समय आडवाणी जी कमंडल लेकर के सामने आ गए थे। सामाजिक न्याय की बात जब जब होगी तब तब धर्म जो है उसकी रास्ते में बाधा बन करके आएगा और उसको ढकने की कोशिश करेगा। आज आप देखिएगा सबसे अधिक जो है जितनी ये यात्राएं होती हैं, कांवड़ यात्रा हो चाहे जो भी हो, दंगे फसाद होते हैं सब, सभी में ओबीसी के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी लोगों को ये लोग उलझाते हैं, फंसाते हैं। आज राम के तथा कथित प्राण प्रतिष्ठा की जो बात हो रही है उसमें इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं जा रही हैं? सवाल तो है, क्योंकि ये लोग बार बार उदाहरण यही लोग देते हैं, कहते हैं कि साहब सोमनाथ की यात्रा में तो राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति जी गए थे। तो भाई जब राष्ट्रपति जी सोमनाथ की यात्रा में गए थे, मंदिर में जब नवनिर्माण हुआ था, तो अयोध्या के नवनिर्माण या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति हमारी क्यों नहीं जा सकती? इसलिए नहीं जा सकती है कि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं जा सकती है कि महिला है। और सुनिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ही बुला लेते आप, उनको भी नहीं क्योंकि दलित है, उनको नहीं बुलाएंगे आप। वो कहां गए बजरंगी, विनय कटियार, सबसे अधिक तो वही उस समय आग बबूला होते थे। उमा भारती कहां है, वो सबसे अधिक बोलती थी, उस समय बात करती थी। तो जिन लोगों का आंदोलन में, चाहे हम उस आंदोलन को गलत मानते हैं, गलत ढंग से हुआ हो रहा था, वो बात एक अलग बात है, लेकिन आंदोलन करने में तो अग्रणी भूमिका इन्हीं लोगों की थी, आडवाणी की थी, मुरली मनोहर जोशी की थी। इन लोगों का कहीं आता पता नहीं है। और जो बताते थे कि तो चुनावी मुद्दा है, ये तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और वो अब वहां जाकर के वो यात्राएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज पता है अयोध्या में एक होटल का जो सबसे निम्न होटल माना जाएगा उसमें भी 90,000 रुपए का किराया है। अयोध्या के अगल बगल की सारी जमीनें गुजरात के व्यापारियों ने खरीद ली है, सारे होटल और मोटल वो लोग बना रहे हैं, चाहे बनारस का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे अयोध्या का हो। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का खेल है मिलाकर के, ये सारा चल रहा है। लेकिन वही है, जब जनमत जम जाएगा, आपके दर्शक ने श्रोता ने जो भाजपाई आप बता रहे थे, वो कह रहे थे ना कि ईवीएम हमारे पास ईवीएम है, देखिए ईवीएम पीवीएम सब धरा रह जाता है। अगर जनता सड़क पे आ जाती है, जनता तय कर लेती है कि हमको हमारे बेटे को रोजगार चाहिए, हमारे परिवार को राशन चाहिए, हमको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, हमको सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, अगर ये तय कर लेते हैं लोग, तो आपका ईवीएम कुछ चलने वाला नहीं है, सब धरे का धरा रह जाएगा।
हमने 1977 में देखा है, 1971 के चुनाव में लोग कहते थे यही जनसंघ के लोग थे जो आज भाजपाई बने घूम रहे हैं, लोग कहते थे इंदिरा गांधी ने रूस से मास्को से कोई स्याही लाई है वो बैलेट पेपर पे चला दिया है इसलिए वो जीत गई है। लेकिन 77 में तो स्याही काम नहीं की क्योंकि जनता सामने खुल करके आ गई थी। उसी तरह से आपके सारे जाल बट्टे जितने भी हैं चाहे ईवीएम में हो चाहे कहीं भी हो वो सब अगर जनता ने तय कर लिया कि नहीं अब बदल देना है ये जुमलेबाजों को जो झूठ बोल बोल करके राज कर रहे हैं देश के ऊपर उनको बदल देना है, वो फर्जी गारंटी देने वाले लोग हैं उनको बदल देना है, अगर ये जनता तय कर लेगी मतदाता तय कर लेंगे तो फिर कोई ईवीएम हम काम नहीं करने वाली है। जी राजीव जी जी बिल्कुल ईवीएम की बात लगातार होती है और बहुत सही आप कह रहे हैं जब जनता सोच लेगी कि बदलना है तो बदल देगी चाहे आप कितने भी ईवीएम बदल दीजिए लेकिन जनता बदलेगी और होता भी है। रिजल्ट सामने है, कुछ राज्यों के रिजल्ट हैं, कर्नाटक को हमने देखा सामने, हमने तेलंगाना को भी देखा, तो ये दो तो महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश को भी हमने इसी साल देखा, पिछले साल जो चुनाव हुए उसी में देखा, तो बदलने का जब होता है तो बदल देती है जनता। लेकिन बात यह है कि मुद्दों की रेस में कैसे हार रही है बीजेपी और बीजेपी के पास क्या राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं। लेकिन जैसा कह रहे हैं जयशंकर जी कि क्या राम मंदिर रूपी नाव को कब तक कंधे पर लेकर ढोती रहेगी बीजेपी, सवाल तो है। उस समय आपने इंटरव्यू लिया था लेकिन अब आज की तारीख में फिर से अगर पूछिए तो लोग शायद यही कहेंगे कि नहीं नहीं अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद ये मुद्दा काम कर जाए, थोड़ी दूर तक कंधे पे इस नाव को लेकर आगे बढ़ते हैं रेत में, लेकिन रेत में चलना मुश्किल होता है आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी कैसे देखते हैं, सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी जितने भी अर्थ है और राजनीति दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अभी भी अर्थ और राजनीति का खेल हम लोग देख ही रहे हैं। एक सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे हुए हैं और एक देश के सर्वोच्च व्यापारी बने हुए हैं, इसकी चर्चा खूब होती है, एक तरफ अर्थ है दूसरी तरफ राजनीति है। लेकिन जब समाज की बात आती है तो यहां धर्म के चादर से उसको ढकने की कोशिश होती है जो हो रहा है अभी। और जयशंकर जी कह भी रहे थे कि जब मंडल की बात आई तो कमंडल को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, जलाकर राख कर देंगे, दो बूंद छिड़केंगे। तो जरा आपसे समझना चाहता हूं कि अब जो राजनीति हो रही है जिसमें राहुल गांधी आगे निकल रहे हैं, जिसमें एक नाम आ गया है न्याय, तो इसलिए ये यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ठीक है भारत को जोड़ने के लिए, लेकिन भारत के लोगों को न्याय दिलाने के, उनको उनका हक दिलाने के लिए अगर यात्रा निकल रही है तो एक परेशानी का सबब तो बनता है, एक सवाल यहां पैदा होता है कि आखिर इस न्याय के तहत उसके अंदर कैसे किन मुद्दों को देखा जाए, देश की राजनीति क्या यहां से कुछ अलग दिशा में हमको जाते हुए दिखाई दे रही है, बहुत सारे सवाल उठते हैं, जरा उस पर आपका विचार सुनना चाहता हूं। देखिए दो दृष्टियों का यह मुद्दों का संघर्ष से ज्यादा दो दृष्टि और दो विचारधारा का संघर्ष है, और एक विचारधारा जो डिसरप्शन की विचारधारा है जिसको कि नफरत की विचारधारा राहुल गांधी ने कहा है, मैं उसको डिसरप्शन की विचारधारा मानता हूं। और इसको सिर्फ चुनावी या मुद्दों के हिसाब से मत देखिए, इसको जो जो ला जो बड़े पैमाने पर जो डिसरप्शन है संस्कृति धर्म अर्थव्यवस्था तो है ही, उसके हिसाब से देखिए कि उन्होंने किस तरह से सबको विखंडित किया है और विध्वंस कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है जो अभी राम मंदिर वाला चल रहा है, उसमें उसको आप सिर्फ इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि ये जो है जो चुनाव में कितना फायदा करेगा उनको, और क्या कई मुद्दे उठ भी रहे हैं कि भाई इनविटेशन नहीं स्वीकार किया कांग्रेस ने तो गलती की कि सही किया ये, लेकिन इससे जरा उससे जरा बड़ा मामला है। मामला इसलिए बड़ा है कि जो धर्म अभी तक हम लोग पा जिसका कि देखिए देश जो है ये भारतीय संस्कृति या धर्म जो भी है हिंदू धर्म वो सैकड़ों साल का धर्म है, उस धर्म में वो जो डिसरप्शन आ रहे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये जो शंकराचार्य वाला विवाद है वो छोटा मोटा विवाद नहीं है, वो जो जिसकी चर्चा की अभी हमसे पहले लोगों ने वो बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये उस जो मूल धर्म है जो संस्कृति जो बनी है, मैं नहीं उनके समर्थन में हूँ, शंकराचार्य भी एक कड़ी है एक मतलब हिस्सा है उस हिंदू धर्म के, उनकी सारी बातों से कोई सहमत न कभी हुए उस समय भी नहीं हुए उनके चेले भी नहीं हुए, लेकिन उसको भी डिसरप्ट कर रहा है। और वो जो पूरा जो आप जो
जो वैष्णव शाक्त और शैव जो है, जो परंपरा जो है, मैं मानता हूँ तो जो भारतीय संस्कृति और धर्म है वो हिंदू धर्म एक तरह से फेडरेशन है, एक तरह से संघीय ढांचा उसका रहा है, उसमें एकोमोडेट किया, उसने इस्लाम तक को एकोमोडेट किया, उसने मतलब जो भी विचार है अलग क्रिश्चियनिटी को ये किया, मतलब एकोमोडेट किया, सिर्फ उतना ही नहीं उनको भी प्रभावित किया। जो भारत में इस्लाम है और ईसाई धर्म है वो अलग है जो दुनिया में आप देखते हैं। तो वो जो है ये लो इसको अगर जैसे एक बार कहा था ना कि ग्रेट डिवाइडर, तो मुझको लग रहा है कि ग्रेट डिसरप्टर अगर कोई वर्ड हो, महाविध्वंसक व्यक्तित्व का अगर नाम लेना हो तो नाम लेना चाहिए, जिसका आप लगातार नाम ले रहे हैं उनका नाम महाविध्वंसक के रूप में लेना चाहिए, जो संस्कृति और सबको नष्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ बेरोजगारी रोजगार और इस यहाँ तक का मामला नहीं है, वो कितना कुछ डिसरप्ट कर रहे हैं वो आप देखिए। आप देखिए कि जिस तरह की अयोध्या बनाना चाहते हैं वो किसी वैष्णव कवि ने, किसी भक्ति आंदोलन के, तुलसीदास ने नहीं इसकी कल्पना की थी, वो तो किसी ने कहा, मतलब अब उससे कितना कहा जाए उसको मालूम नहीं, उसने कोई कह रहा था कि ये तो सोने की लंका बना रहे हैं, ये अयोध्या का बना रहे हैं, जो अयोध्या जिसकी कल्पना है वो, और ये कल्पना मैं नहीं मानता कि वो सच यही अयोध्या थी या नहीं थी, लेकिन जो मिथक है जिस पर कि डॉक्टर लोहिया ने लिखा है, उसको एक्सप्लेन किया है किस तरह से, वो समझने की जरूरत है कि राम जो जिस चीज के प्रतीक रहे या जो मिथ है हिंदुस्तान को, उसको भी नष्ट करना चाहते हैं। ये एक नया हिंदुस्तान गढ़ रहे हैं, एक नया धर्म बना रहे हैं, जो सावरकर और गोलवलकर का बनाया हुआ धर्म है। ये जो ग्रेट डिसरप्शन है इसको भी समझना चाहिए। राहुल गांधी जो मणिपुर से, एक सिंबॉलिक सिंबोलिज्म है जो कहा जयशंकर जी ने कि जिस तरह से वहां हुआ है और उस वहां से यात्रा कर रहे हैं, एक मतलब आप सोच लीजिए कि एक अभी के समय में आपको तात्कालिक लग रहा है कि इसका असर है, लेकिन तात्कालिक से ज्यादा इसका वो है कि जो डिसरप्शन उन्होंने किया। आप मणिपुर के समाज का ही देख लीजिए, वो जो वैष्णव धर्म वहां जिस तरह गया और जिस तरह से वहां का जो ताना बना बना उसको भी नष्ट करके, उनको एक हिंदू आइडेंटिटी मैतेई लोगों को दे करके उन्होंने सांप्रदायिक बना दिया। तो ये जो धर्म का सांप्रदायिकरण है, ये जो कॉर्पोरेटीकरण है धर्म का और अनुष्ठानों का, वो भी एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है, जिससे बेचैन होकर के शंकराचार्य ने उसको मतलब उसका विरोध किया है। तो इसको भी देखना चाहिए। सारे डिसरप्शंस के खिलाफ मुझको लगता है कि कांग्रेस सच में जो रिस्टोर करना चाहिए, जो जो इंडिया, जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी कल्पना की थी गांधी जी ने, मतलब बाकी लोगों ने, नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश, आप अनगिनत नाम लेंगे, जिसके लिए शहादत दी थी भगत सिंह ने, वो जो है आइडिया ऑफ इंडिया, उसको रेस्टोर करने का है मुद्दा। ये मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी और यहाँ तक इसको सीमित मत मानिए, वो मुद्दा जो कि जिसको कि आजादी का आंदोलन में कंसीव किया गया, जो भारतीय राष्ट्र की जो कल्पना की गई, जिसके प्रतीक या जिसके मुख ये जो है गांधी रहे, वो है, उसमें सब आ जाता है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सब कुछ। जब भी न्याय, वो वही तो था गांधी जी का कि एक अंतिम आदमी तक को न्याय मिलना चाहिए, और यही अगर हुआ, और उन्होंने उसको किया किस तरह से, नोआखाली में उन्होंने हिंदुओं को बचाया। तो दूसरी बने रहिए, पर चर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। जगह आकर के बिहार में उन्होंने मुसलमानों को बचाया, मतलब कि ये जो स्प्रिट है, ये जो आत्मा, उसको नष्ट कर रही है भाजपा और मोदी। और एक लास्ट आपको एक आज जो उन्होंने कहा, अब देखिए कितना संविधान को किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो जो जा रहे हैं आ रहे हैं वो सब अलग बात है। उनका आज का स्टेटमेंट देखिए, गॉड ने हमको इसके लिए चुना है कि हम जो है ये काम करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आप बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री सीधे संविधान को चुनौती दे रहा है, गॉड ने नहीं चुना है। वो राजा क्लेम करते थे कि हमको ईश्वर ने भेजा है आपको पर शासन करने के लिए, हमने आपको मतदान दे करके किया है, और आप अपने मन से अपने मतलब संविधान का की सारी जो ये है उसको, मतलब प्रक्रिया और उसकी शर्तें, उसको सबको तोड़ के आप वहां जा रहे हैं, और आप इसको बता रहे हैं कि गॉड ने आपको चुना, वो यही बताना चाहते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि देश इस तरह से किसी को अवतार इतनी आसानी से नहीं मान लेने वाला है।
इसके लिए बहुत कुछ करना होता है। आप दिन में 10 बार परिधान बदले और उसके बाद एक कैमरे में किसी और आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके बाद आप दावा करें कि आपको गॉड ने चुना है किसी शुद्धिकरण के लिए और किसी ये के लिए, क्या कहते हैं, मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये हिंदू धर्म के भी किसी मतलब श्लोक में या कहीं भी किसी स्क्रिप्चर में भी ऐसा ऐसी कल्पना नहीं की गई थी। तो ये जो द्वैत है वो भी है, राहुल गांधी उसके भी खिलाफ दोनों। अगर आप थोड़ा भगवानमय हो जाइए, जरा भक्तिमय हो जाइए, तो प्राण देने वाला और प्रतिष्ठा दिलाने वाला दोनों को आप प्राण प्रतिष्ठा दिलवा रहे हो। चलिए क्या बोलें। लेकिन उन्होंने जो लिखा है मोदी जी ने, जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए। थोड़ी देर पहले उनके ट्वीट को मैं लेके आया भी था, अगर हमारी टीम लेके आ जाए तो। वो कह रहे हैं मोदी जी कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस शुभ अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने, जो आप कह रहे थे अनिल जी, वही बात मैं यहां कह रहा हूं, प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रभु ने इनको इसका निमित्त बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। और दूसरी तरफ आप तस्वीर तो देख ही रहे हैं जिसमें मोदी जी छोटे रामलला को, यानी बाल रामलला को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं कि चलिए इतने लोगों के सिर पे हमने छत दिलवा ही दी, अब ये एक छत एक घर हम आपको भी दिला रहे हैं। ऐसे भी कुछ सोशल मीडिया पे वैसे कुछ विजुअल्स चल रहे हैं, कुछ कैरिकेचर्स चल रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स चल रहे हैं, कुछ कहानियां चल रही हैं। और बीजेपी कर्नाटका ने ट्वीट किया था, मतलब ये सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं, आधिकारिक तौर पर बीजेपी कर्नाटका ने ट्वीट करके बताया था कि मोदी जी ने इतने करोड़ लोगों को घर तो दिलवाया ही और उस उतना ही नहीं, अब एक घर रामलला को भी दे दिया है। तो देखिए ये है जो अनिल जी अभी कह रहे थे। चलिए जरा अनिल जी के पास आ जाऊं, क्लोजिंग करें अनिल जी अपनी बात और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी अनिल जी। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि ये दायित्व असल में जो आइडिया ऑफ इंडिया है और जो डिसरप्शन चल रहा है, मतलब आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने का और जो डिसरप्शन है उसको रोकने का, उसका दायित्व राहुल गांधी ने उठाया है। ये इस जो मुद्दे की जो राजनीति है वो मुद्दे की राजनीति नहीं, मैं मानता हूँ कि वो जो डिसरप्शन है उसको रोकने के लिए उसको ये करने की राज उठाया है। और उन्होंने तो दिखाया है जो भारत जोड़ो यात्रा में, कम से कम जो तस्वीर अपने व्यक्तित्व की भी उन्होंने पेश की है, वो मुझको मतलब अतिरेक ना हो लेकिन आपको गांधी की याद दिलाएगा कि कम से कम जो है उन्होंने वो सादगी दिखाने की कोशिश की। वह काफी कोशिश की गई उनके चरित्र को पेंट करने की, कि इस तरह से चित्रित करने की कि इस तरह के कंटेनर में जा रहे हैं और मतलब ये परिधान और ये जूते, लेकिन कुछ चला नहीं। तो मैं मानता हूं कि वो जो है उसी दिशा में है, एक जो विचारधारा का बड़ा संघर्ष है उसका दायित्व उन्होंने उठाया है। और ये दोनों टकराहट अभी आपको 15 दिन में और तेज होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में 10 दिन, ठीक आज से 10वें दिन पर बिल्कुल भक्ति भाव उमड़ता रहेगा। एक टेलीविजन चैनल ने अपनी गाड़ी पे लिखवा रखा है कि मंदिर वहीं बनवाया है और चल रहा है, वो गाड़ी चल रही है, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। प्रशांत टंडन जी, मंदिर से ज्यादा मुद्दे की बात और मुद्दे में भी न्याय की बात, कैसे देखा जाए इस न्याय यात्रा को? देखिए राजीव जी, चुनाव जैसे मैं पहले चर्चा कर रहा था, चुनाव और चुनाव तमाम सारे मुद्दों पर होंगे ये। और बीजेपी के लिए जो परेशानी की बात है वो ये है कि जहां बीजेपी का अस्तित्व निर्भर करता है कि वो सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, वहां जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो सरकार तो बन जाती है राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांग्रेस को भी 40% वोट आता है और तेलंगाना को भी मिला लें तो कांग्रेस को 9.5 लाख वोट ज्यादा बीजेपी से मिलता है जी। ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए।
और ये इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई होगी एनडीए के विस्तार से, इसकी भरपाई होगी नए मुद्दों से। इसलिए जब राम मंदिर के मुद्दे पर या हिंदुत्व के किसी मुद्दे पर बीजेपी बहुत आगे जाती है तो मुझे उससे बहुत हैरानी नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने इको चैम्बर के बाहर नहीं जा रहे हैं जी। राजनीति में देखिए क्या है कि अगर आप मुद्दों में आप आगे जा रहे हैं तो नया वोट बैंक आप क्रिएट कर रहे हैं, आप नए भौगोलिक एरिया में जा रहे हैं तो आप नया वोट बैंक और नया भूगोल तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी आए हैं मेरे ख्याल से त्रिपुरा के अलावा कहीं भी ऐसी सरकार नहीं बनाई जिसको कहा जा सके कि बीजेपी ने विस्तार किया अपना जी। तो जब तक आप विस्तार नहीं करेंगे, मोदी साहब की सबसे बड़ी विफलता ही है 10 साल की कि मोदी साहब हिंदी हार्टलैंड से बीजेपी को बाहर नहीं ले जा पाए, ना अकेले बीजेपी को और ना सहयोगी दलों का कोई एक ऐसा गुलदस्ता बना पाए वो जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने बना लिया था। और ये सब चीजें चुनाव में मैटर करेंगी। ये बड़े बड़े इवेंट जरूर मतलब मीडिया लगा रहेगा और दिखाई देगा जी, लेकिन सवाल घूम फिर के वही आता है बिल्कुल कि जिन लोगों से हम यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, वो लोग जो कि बीजेपी के समर्थक हैं, राम मंदिर के समर्थक हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते जो नहीं समर्थक हैं, क्या हमको कोई ऐसा कोई सर्वे हम कराएं अगर कि क्या जिसने पिछले इलेक्शन में बीजेपी को वोट नहीं दिया था और इस बार वो ये कह रहा है क्योंकि मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं इसलिए हम जो है वोट देंगे बीजेपी को इस बार, वो ऑलरेडी जैसे हम दीपक जी कह रहे थे या और लोग की ऑलरेडी एक यूनिवर्स है उनका जी। इसके उल्टे कांग्रेस अगर बात कर रही है कि वो नहीं जाएंगे तो कांग्रेस एक बहुत बड़े वोट बैंक को संदेश, बड़ा स्पष्ट संदेश दे रही है कि उसकी राजनीति क्या है। कांग्रेस अगर जाति जनगणना की बात कर रही है तो एक नए वोट बैंक को संदेश दे रही है जी। तो सहाय की बात पहली बार कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय इंप्लीमेंट किया है नीतियों के, लेकिन जाति आधारित सामाजिक न्याय की अवधारणा कांग्रेस का मुद्दा कभी भी नहीं रही। जयशंकर जी बताएंगे लंबे समय से वो देखते हैं कांग्रेस को। तो अर्जुन सिंह ने जरूर मंडल कमीशन को शैक्षिक योग संस्थाओं में लागू किया था, लेकिन कांग्रेस का सामाजिक न्याय की अवधारणा जाति आधारित नहीं रही है। इसका करेक्शन राहुल गांधी ने किया है दो बातों से, सामाजिक न्याय की बात उठा के और जाति जनगणना की बात उठा के, ये एक नए वोट बैंक की तरफ दिशा दिखाता है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि कितना कामयाब होगा नहीं होगा, लेकिन ये पहल है कि एक नए वोट बैंक को वो आमंत्रित कर रहे हैं। बीजेपी पिछले 10 साल ये फर्क है, तो एक पीक है, उस पीक पे वो हैं। हो सकता है कि राम मंदिर के इस आयोजन पे वो पीक पे बने भी रहे, लेकिन सिर्फ पीक पे बने रहने से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स उस पीक से बड़ा होने जा रहा है इस बार। राजीव
जी बिल्कुल बिल्कुल, समय खत्म हो चुका है, लेकिन एक एक मिनट में चाहूंगा जल्दी जल्दी आप लोगों से भी। धनंजय जी, पहले आपके पास, क्या जाति आधारित जनगणना या सामाजिक न्याय की जो बात हो रही है, न्याय की चर्चा इसीलिए क्योंकि न्याय यात्रा पहले बोल चुका हूं और जिसकी शुरुआत परसों से हो रही है, क्या लगता है आपको, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जहाँ जाति आधारित पार्टियाँ हैं, जाति आधारित वोट बैंक हैं, और उसमें अगर ये और ये बिहार से भी ये यात्रा गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से भी गुजर रही है, और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा वक्त गुजारने वाली है, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि न्याय यात्रा आने वाले समय में भारत इंडिया गठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है? देखिए, जब आप जाति की बात करेंगे तो जातीय भेदभाव की भी बात करेंगे, और जातीय भेदभाव की बात करेंगे तो आप फिर आपको सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी, और जब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो फिर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि न्याय की बात तो यही कर रहा है, बाकी तो कर रहा है कि प्रभु राम है। तो मुझे लगता है बिहार में असर इसका है, और बिहार में केवल बात नहीं हुई, बिहार में सामाजिक न्याय 60s के दशक से होता आ रहा है, आज नया शुरू नहीं हुआ है, 60 के दशक से होता आ रहा है, और बिहार ने फिर चुनौती रखी है देश के सामने कि आपको पूर्व जन्म का न्याय चाहिए, आपको इस जन्म का न्याय चाहिए। पूर्व जन्म का न्याय चाहिए तो मनुस्मृति पढ़ते रहिए, और इस जन्म का न्याय चाहिए तो आपको संविधान लागू करना पड़ेगा, जिस संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। क्या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय महत्वपूर्ण नहीं है? अगर जिनको लगता है नहीं है वो बात करें कुछ, लेकिन मुझे लगता है बिहार उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन मजबूत है और बन चुका है, अभी भले घोषणा होनी बाकी है, जो बता रहे थे अमलेंदु जी की 15 तारीख को जन्मदिन है, उस दिन होगा बिहार में। तो हम, मैं आपको बहुत पहले भी बताया था कि बिहार में नीतीश कुमार टूटने वाले नहीं, कई सारे चैनल जो है कह के थक गए, अब दर्शक भी भाग गए उनके, पहले जो 60,000 दर्शक देख रहे थे अभी वो 6,000 पे आ गए, तो ये स्थिति है। तो मुझे लग रहा है ये न्याय यात्रा जो है, ये जो देश की धारा है वो बदलने वाली यात्रा होगी, और मुझे लगता है फिर से हम उस जगह पहुंच जाएंगे, न्याय यात्रा हमें वो पहुंचाएगी जहां संविधान है, जहां संविधान कहता है कि आओ हम आपको ले चलेंगे नई दिल्ली की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनिल जी कैसे आप देखते हैं इसको, न्याय यात्रा? देखिए, ये मैं इसको इलेक्टोरल टर्म्स में देख नहीं पाता अभी तक, क्योंकि उसको मतलब चुनाव में कितना फायदा होगा ये अभी कैलकुलेट करना आसान नहीं है। वो प्रशांत जी का सही कहना है कि वो उन्होंने विस्तार किया और जो करेक्शन था उन्होंने कर लिया है, एक नए वोट बैंक, मतलब वोट बैंक नहीं कहिए, नए एक नई मतलब नए समुदाय को या मतदाताओं के समूह को वो एड्रेस कर रहे हैं। अब इस एड्रेस को वहां तक लाने में कि बूथ तक वहां तक पहुंचकर उनकी मदद करता है कि नहीं, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका कोई ज्यादा फायदा अभी 3 जो स्टेट हुए उसमें अगर आप ठीक से नजर डालेंगे तो 3 स्टेट के चुनाव में कुछ जाति आधारित जनगणना का मुख्य आधार का मुद्दा से कांग्रेस को बहुत फायदा नहीं हुआ, मतलब फायदा मतलब कि वो जीत की ओर नहीं ले जा पाया। तो इसीलिए इस मुद्दे को कहां तक पहुंचता है, मुझको लग रहा है क्या कि सामाजिक न्याय का मुद्दा जो बाकी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और जो राजनीतिक परिस्थितियां, सब मिला करके ही होगा। एक अकेले मुद्दे पर जो लग रहा है कि ये धार्मिक जो इनका उन्माद वाला है उसका मुकाबला अकेले सामाजिक जाति आधारित जनगणना का मुद्दा कर लेगा, वो मुझको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा होगा। जी बिल्कुल, जयशंकर जी क्लोजिंग। देखिए, सामाजिक न्याय की बात इस देश में इसलिए भी जरूरी है, अगर भाजपा की टर्मिनोलॉजी पे ही बात करें, जैसे मैंने कहा अभी पहले भी कहा था कि अयोध्या के कर्मकांड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि दोनों ये दलित और आदिवासी हैं और महिला हैं, विनय कटियार को नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि वो कुर्मी है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, उमा भारती को नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि वो लोधा है, बैकवर्ड है, ओबीसी है। जब इस तरह जो हिंदू समाज की हिंदुत्व की बात करने वाले लोग अपने धार्मिक कर्मकांडों में भी इस तरह का भेदभाव करते हैं, जहां आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर देने वाले का गौरवगान होता है,
तो ऐसे समाज में तो सामाजिक न्याय की जरूरत बढ़ जाती है, यकीनन बढ़ जाती है। दिक्कत यह है, एक ही है कि राहुल गांधी तो बहुत सही बातें करते हैं, बहुत सारे मुद्दे सही उठाते हैं वो, लेकिन उस पर अमल करने वाली कांग्रेस है कि नहीं है? ये बार बार मैं इस सवाल को उठाता हूं कि भाई पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी इस ढंग की बनानी होगी। अब आपकी पार्टी में जब ऐसे ऐसे पाखंडी भरे पड़े होंगे जो जटाजूट धारी बनकर के अपना चैनलों पर प्रवचन देंगे, लगेगा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं है, लेकिन वो उल्टी दिशा में बातें करेंगे। तो आप उन पर जब रोक नहीं लगाते हैं, उनसे आप मुक्ति नहीं पाते हैं, तब तक तो बात नहीं बन पाएगी। सीधे सीधे आपको तय करना होगा कि हम सामाजिक न्याय के रास्ते पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक रास्ता तय कर लिया है और उनके हिसाब से लगता है कि उनको जय पराजय की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अगर वो काम पे वो आदमी लगा रहा, डटा रहा, तो मुझे लगता है कि इसके नतीजे बहुत दूरगामी जाएंगे। जैसा नहीं कह रहे थे कि चुनाव की बात नहीं है, सामाजिक व्यवस्था को झकझोरने वाली बात है, और वो चिरकालिक होगा, मतलब वो अल्पकालिक नहीं होगा, एक चुनाव दो चुनाव की बात नहीं होगी, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आज भी आप देखिए जिस ढंग की समाज व्यवस्था है, जैसा मैं बार बार कहते रहा हूं, उसको अगर राहुल गांधी ने उस नस को पकड़ लिया, भाई अगर जातीय जनगणना होती है और मालूम होता है कि भाई उसके फायदे किन लोगों को मिलने चाहिए थे, किन लोगों को ही मिल पाए हैं, अगर ये बात आती है सामने आती है, तो इसमें बुरा क्या है? अगर जाति जनगणना हो जाएगी, उसके आधार पर आप अपनी नीतियां बनाएंगे, अपने कार्यक्रम बनाएंगे, अपनी परियोजनाएं लागू करेंगे, ताकि समाज के वो सारे तबके जो हैं विकास का जो फल है उसको ग्रहण कर पाएंगे, विकास की किरणें उन तक पहुंच पाएंगी, इसमें बुरा क्या है? जाति जनगणना होने दीजिए, आप डरते क्यों है? अगर आपको लगता है, और ये बार बार कहा जाता है कि साहब आर्थिक और सामाजिक, भाई आर्थिक की बात नहीं है इसमें, अगर आर्थिक की बात होती तो राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा पद है इस देश का, तो राष्ट्रपति को आप बुलाते हो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि साहब हमको भगवान ने भेजा है, हमको ईश्वर ने तय किया है, गॉड ने हमको ये मौका दिया है, भाई गंगा मैया ने भी तो आपको बुलाया था, आज तो गंगा मैया रो रही है वहां पे, एक फर्जी एक जहाज चला दिया वहां से कि जाएगा वो आसाम और कहां कहां उड़ के जाएगा, पानी से जाएगा चलते हुए, पता लगा कभी भागलपुर के पास फंस गया, कभी कहां, आज उसका आता पता नहीं है, बनारस में लोग टिकट बुक करा करा करके इंतजार कर रहे हैं कि कहां है वो, गंगा मैया रो रही है, प्रदूषण मुक्त नहीं हुआ, उनकी एक मंत्रालय ने कहा दिया कि साहब गंगा अगर साफ नहीं हो तो मैं उसी में डुबकी लगा के मर जाऊंगी, गंगा भैया उसको भी खोज रही है। लेकिन ये इसलिए मैंने कहा ना कि ये पाखंडी लोग हैं, अपनी बातें इस ढंग से करते रहते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन लोग धीरे धीरे इनकी सच्चाई को समझ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, ठीक है आप 22 जनवरी को दिवाली मनाइए, दशहरा मनाइए, सब कुछ मनाइए, लेकिन इस देश के लोग सवाल करेंगे कि जब 2 महीने बाद इस देश में रामनवमी का त्यौहार होने वाला था तो प्राण प्रतिष्ठा 2 महीना पहले क्यों कराई गई? ये बात तो है, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों कराई जा रही है? क्योंकि आपने संसद भवन का भी देखा था कि चूंकि सावरकर का जन्मदिन था तो उस दिन उनको संसद भवन का उद्घाटन कराना था, जबकि वो अभी पूरा बना भी नहीं था, उसके तुरंत बाद उसमें पानी भर गया, उसके बेसमेंट में पूरा पानी भर गया, कितने महीनों तक उसके बाद संसद का सत्र वहां नहीं चल पाया था। तो इस ढंग के तो सारे इस ढंग के काम ये जो कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा चूंकि मीडिया है, मीडिया आपके हर बात की जय जय हर बात की जय जय करेगा, कॉर्पोरेट हाउस आपके साथ लगा हुआ है, आपका कनफुकवा तंत्र भी है जो घर घर जा जाकर के अपने अपने ढंग से लोगों को समझाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चल पाता है। अब देखिए इसकी शुरुआत जो है राजस्थान में हो गई है, राजस्थान का करणपुर जो है गंगानगर जिले का, वहां उपचुनाव हुआ, कितनी पॉलिटिकल बेईमानी की लोगों ने कि उम्मीदवार जिसको बनाया उसको मंत्री बना दिया, मतलब विधायक चुना नहीं गया उसको मंत्री पहले बना दिया, ताकि लोगों को लगे, करणपुर के लोगों को लगे कि साहब हम विधायक नहीं हम मंत्री चुन रहे हैं, वो तो पहले ही मंत्री बन गया। लेकिन हवा खराब होनी शुरू हो गई है, शुरुआत हो गई है, और 11,000 वोट से उनका वो जो मंत्री बना हुआ उम्मीदवार था भाजपा का वो हार गया और कांग्रेस का आदमी जीत गया। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है कि अगर हमने कोई गलती कर दी है, चाहे वो किसी भी कारण से कर दी हो, तो उसका परिमार्जन भी है और वो करेंगे लोग। और मुझे लगता है कि 2024 जो है अगर ठीक से, क्योंकि जो इंडिया अलायंस का जिस ढंग से विस्तार हो रहा था, इसे अभी आप बात कर रहे थे महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, अभी आपको पता है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी भी जुड़ गई है, इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गई है, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में उसने 10 सीटें कम से कम हरवाई थी कांग्रेस और एनसीपी के लोगों की,
वो अब इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रकाश अंबेडकर की पार्टी जो है बहुजन विकास भंगाड़ी। तो इस तरह से अब मायावती भी हो सकता है, जिस तरह की बातें चल रही हैं शायद उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में वो भी शामिल हो जाएंगी। अगर विपक्ष का पूरा कुंबा एकजुट हो गया, सारे लोग एक साथ हो जाएंगे, तो माफ कीजिएगा ईवीएम कहीं काम करने वाली नहीं है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।